नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस वीडियो में हम सितंबर महीने के एनवायरनमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप रिवीजन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से या फिर onlyice.com पर जाकर, और वहीं पर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और मेंस बूस्टर प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप onlyice.sales@gmail.com पर पूछ सकते हो। ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि इंडिया का पहला गार्बेज कैफे अब ओपन किया जाने वाला है अंबिकापुर सिटी में, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर के हिस्से में है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको एहसास भी हो जाएगा कि कितना अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो इनिशिएटिव है, ये अंबिकापुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पर इस इनिशिएटिव को उनके द्वारा लिया गया है। इसके जरिए सिटी को प्लास्टिक फ्री बनाने का प्रयास किया जाएगा। सिटी प्लास्टिक फ्री कैसे बनेगी, अभी हम जानेंगे। देखिए, ये जो सिटी है अंबिकापुर, इसे स्वच्छता रैंकिंग में सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी का टैग भी मिला है। ये बहुत ही यूनिक कैफे होगा। इसमें होगा क्या, अगर कोई गरीब आदमी या जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरे को उठाते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं, अगर वो 1 किलो कचरा उठा लेते हैं और इस कैफे में जाकर देते हैं तो उन्हें एक बार का पूरा खाना मिल जाएगा। गेट फ्री फूड इन एक्सचेंज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक। वो 1 किलोग्राम प्लास्टिक चुनेंगे और उन्हें एक बार का पूरा खाना मिल जाएगा। अगर वो ब्रेकफास्ट चाहते हैं, नाश्ता चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए 0.5 किलोग्राम प्लास्टिक। इससे उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। वो प्लास्टिक को ढूंढेंगे, उसे इकट्ठा करके इस कैफे में लेकर दे देंगे, जिसके बदले में उन्हें खाना मिल जाएगा। प्लास्टिक जो इकट्ठा होगा उसका किया क्या जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि रैक पिकर्स कई बार कुछ प्लास्टिक उठाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें उसका अच्छा दाम नहीं मिलता। अगर प्लास्टिक चुनने के बदले में उन्हें खाना मिल रहा है तो उनकी एक बहुत ही बेसिक सी नीड पूरी हो जाएगी। वो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक मात्रा में प्लास्टिक चुनकर उसके बदले में खाना लेने की कोशिश करेंगे। जो प्लास्टिक इकट्ठा किया जाएगा उसे सॉलिड लिक्विड रिसोर्सेस मैनेजमेंट सेंटर को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद इस प्लास्टिक को छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यानी टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल सिटी में रोड्स के कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा प्रोसीजर अपनाया गया है, जहां पर बहुत अच्छी तरीके से जो कचरा है, प्लास्टिक है, उसे ऐसी कंडीशन में लेकर आया जाएगा जहां पर उसका इस्तेमाल रोड के कंस्ट्रक्शन में किया जा सके और इसका फायदा जो पुअर रैक पिकर्स हैं उनको भी मिल जाएगा। अगला आर्टिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के बारे में है। BOD होता क्या है? देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है पानी में तो उसे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो तोड़ देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन उन बैक्टीरियाज को ये काम करने के लिए इंसेंटिव चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी में वो ये काम नहीं कर पाते, तो वो बैक्टीरियाज जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ते हैं पानी में, ख़त्म कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। अगर कचरा कम है, पोल्यूशन कम है, तो कम ऑक्सीजन की डिमांड होगी इन बैक्टीरियाज के द्वारा। अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरियाज के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन की वो मात्रा है जिसकी मदद से वो पानी में जो ऑर्गेनिक मटीरियल हैं या फिर पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिजॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब कि पानी में पोल्यूशन ज़्यादा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, मतलब पानी में पोल्यूशन कम है। अब देखिए, हमारी वाटर बॉडीज की स्थिति क्या है आप लोग जानते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी संबंध में कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जो अक्टूबर से कमीशन हो जाएगा। वो हर दिन 10 लाख लीटर वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगा ताकि उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम किया जा सके। जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियाज के लिए कि वो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट है उनको डिजॉल्व कर सकें, उसी चीज़ को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD कहा जाता है। क्लीन वाटर का यानी कि साफ पानी का जो BOD होता है वो 5 पार्ट पर मिलियन से कम होता है, PPM से कम होता है। मतलब पानी साफ है तो BOD कम होगा। पोल्यूटेड पानी का BOD ज़्यादा होता है। जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसका BOD 17 PPM या उससे ज़्यादा होता है। तो BOD का ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, BOD का कम होना अच्छी बात है। BOD लेवल पता कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि BOD लेवल कितना है और पानी कितना पोल्यूटेड है? इसे डिटरमाइन करने के लिए देखिए, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है उसका एक सैंपल लेते हैं, मतलब एक जो खराब पानी है
जिसमें बीओडी का लेवल ज़्यादा है, उसे हम एक सैंपल के तौर पे ले लेते हैं और फिर उसे 5 दिन तक इनक्यूबेशन में रखा जाता है डाक में। इनक्यूबेशन एक सर्टेन हीट पीरियड होता है जो किसी भी पार्टिकुलर एक्सपीरियंट या ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे इनक्यूबेशन का नेचुरल प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, मुर्गी जब अंडे को सेती है, कोई भी पक्षी जब अंडे को सेता है ताकि उसमें से बच्चा निकल सके, तो उस अंडे के ऊपर बैठता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट मिल जाए। इसी प्रक्रिया को नेचुरल इंक्यूबेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया आर्टिफिशियली भी अपनाई जाती है। तो जब एक सर्टेन रिक्वायर्ड हीट लेवल मेंटेन किया जाता है तो उसे इंक्यूबेशन बोलते हैं, और अंधेरे में रखा जाता है। तो 5 दिन के बाद ऐसी कोशिश की जाती है कि जो उनकी ऑक्सीजन डिमांड है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो ये पता चल जाता है कि न्यूट्रलाइज ऑक्सीजन डिमांड ये है और इसके पोल्यूटेड वाटर में जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो ये थी। तो दोनों के बीच का जो गैप है उससे पता कर लेते हैं कि आखिर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो है कितनी। तो इस प्रक्रिया को ही इस्तेमाल किया जाता है बीओडी के लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। पोल्यूटेड वाटर लीजिए, 5 दिन तक इंक्यूबेशन में रखिए जिससे कि उसके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में गिरावट आ जाएगी, उसे आप न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब पोल्यूटेड पानी था तब कितनी डिमांड थी इसमें, और अब जब इसे हमने जो डिमांड है उसे न्यूट्रल कर दिया है तब इसकी स्थिति क्या है। दोनों के बीच का गैप डिसाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, सिंपल सा प्रोसेस है। गंदे पानी को सामान्य भाषा में साफ करके देख लीजिए कि उसमें डिमांड कितनी है, ठीक है, उसके बाद गंदे पानी से कंपेयर कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ और बातें इसी के बारे में। बायोमैग्निफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। बायोमैग्निफिकेशन एक्चुअली में टॉक्सिकेंट के कंसंट्रेशन की इंक्रीज को कहा जाता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ छोटे जीव होते हैं जिनको बड़े जीव खा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि सपोज करिए एक छोटा सा कीड़ा है, पानी में DDT या मरकरी है, ये कीड़ा उस पानी को इनहेल करता है जिससे इसके अंदर DDT आ जाता है। अब एक मछली इस कीड़े को खा लेती है जो छोटी मछली है, तो इसके अंदर ये जो मरकरी की मात्रा है वो आ जाएगी, क्योंकि ये मछली कई सारे कीड़ों को खाएगी और ये जो मरकरी है वो बॉडी एक्स्ट्रेटा के तौर पे निकाल नहीं पाती, तो वो इस मछली में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब एक बड़ी मछली आएगी जो कि इस मछली को खा लेगी, ठीक है। अब वो ऐसी कई सारी मछलियों को खाएगी, ऐसी कई सारी मछलियों ने खूब सारा ये जो कीड़े हैं उनको खाकर मरकरी इकट्ठा किया होगा। तो यहाँ पर जो मरकरी की मात्रा होगी कई सारी मछलियों के खाने की वजह से, यहाँ पर मरकरी की मात्रा और भी बढ़ जाएगी, और जब इससे बड़ी मछली यहाँ पर इस मछली को खाएगी और इसके जैसी कई सारी मछलियों को खाएगी तो इसके अंदर मरकरी की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर इंसान इस मछली को खाते हैं तो उनके अंदर मरकरी के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या उससे होने वाली जो बीमारियां हैं उनके होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो बायोमैग्निफिकेशन में हर ट्रॉफिक लेवल पे जो पोल्यूटेंट्स हैं या टॉक्सिकेंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, एक्यूमुलेट होती जाती है, इसे ही कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है बढ़ना, मैग्निफाई करना मतलब बढ़ना। तो सबसे आप समझ रहे हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन भी एक एनवायरमेंट का टर्म है। यूट्रोफिकेशन एक्चुअली में नेचुरल एजिंग होती है किसी लेक की। एक जो लेक है, तालाब है, वो बूढ़ा होता है। बूढ़ा कैसे होता है, उसमें जो पोल्यूटेंट्स की मात्रा है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आप उसे न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट होगा तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाएंगे जिससे जो तालाब का पानी है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कई बार ऐसा पोल्यूटेंट्स के लेक्स में छोड़ने की वजह से भी होता है। तो यूट्रोफिकेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जब आर्टिफिशियली वाटर को पोल्यूट किया जाता है तो वो भी एक तरीके का यूट्रोफिकेशन ही होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमने समझ लिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगला आर्टिकल रीप्लान के बारे में है। रीप्लान का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, प्रकृति में जो प्लास्टिक पाया जा रहा है उसे कम करना। अब ये भी प्लान KVIC का ही है। KVIC का जो री प्लान है उसकी स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, री इंडिकेट्स रिड्यूसिंग, PLA इंडिकेट्स प्लास्टिक एंड N इंडिकेट्स नेचर। इसने अभी अपना एक साल पूरा कर लिया है। KVIC ने प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर तैयार करना शुरू किया था और इसे शुरू किया गया था कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर NHPI में। ये KVIC की एक यूनिट है जो कि जयपुर में वर्क करती है। रीप्लान प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे एस्टैब्लिश किया गया था। अब इसमें होता ये है कि जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसे कलेक्ट करते हैं, साफ करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। उसके बाद उसे पेपर के रॉ मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। रेशियो यूजुअली 80-20 का होता है। जो पल्प है जिससे पेपर बनाया जाता है वो 80% है, तो 20% प्लास्टिक वेस्ट को उसमें मिक्स कर देंगे। इससे होता यह है कि सॉफ्टनेस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जो इंस्टीट्यूट है उसने एक साल में या सितंबर 2018 के बाद, अभी सितंबर 2019 आ गया है,
लगभग 6 लाख हैंडमेड प्लास्टिक को जो कि मिक्स्ड कैरी बैग्स थे उनको बेचा है। जो प्रोजेक्ट है वो केवीआईसी के कमिटमेंट का पार्ट है जिसमें वो स्वच्छ भारत मिशन को या स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। केवीआईसी के बारे में जान लीजिए, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। पार्लियामेंट का एक एक्ट बनाया गया था इसके लिए, उस एक्ट का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ एक्ट 1956। ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत जो कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का प्रयास करती है रूरल एरियाज में या फिर अदर एरनाज में भी। देखेंगे अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल म्यूजल्स के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट अभी म्यूजल्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। म्यूजल्स एक तरीके की कौड़ी होती है, कौड़ी मतलब जिनमें दो स्कल्स होते हैं, दो, एक आपने देखा होगा बीच में कोई एक जीव रहता है और वो दो तरफ से बंद होती है, ठीक है। इनको ओशंस में छोड़ा जा रहा है ताकि ये माइक्रोप्लास्टिक को एब्जॉर्ब कर सकें या जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें और हम वाटर पोल्यूशन को कर्ब कर सकें। अब ये म्यूजल्स कैसे वर्क करेंगे, देखिए ये यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये बिल्कुल कौड़ी की तरह होते हैं अगर आपने उसको देखा हो तो, जो कि दो हिस्सों में होता है, वो वापस बंद हो जाता है और उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म भी रहता है। जो टर्म म्यूजल है वो यूजुअली जो बाईवॉल्व मोलस्क्स हैं उनकी कई सारी फैमिलीज को इंडिकेट करता है जो लेक्स, रिवर्स एंड क्रीक्स में रहा करते हैं। ये कोस्ट लाइन वाला जो रीजन है इंटरटाइडल एरियाज में, वहाँ पर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जो म्यूजल्स हैं उनमें एक एक्सटर्नल सेल होती है जो दो वॉल्व से बनी होती है, वो उन्हें प्रीडेटर से बचाती है, मतलब वो जो अंदर ऑर्गेनिज्म होता है उसे कोई अन्य जीव नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए ये सेल्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एक्चुअली में ये म्यूजल सुपर फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। सुपर फिल्टर की तरह कैसे वर्क करते हैं, देखिए खाने के रूप में ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया करते हैं अपने पोषण के लिए, और जब वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं तो एट द सेम टाइम वो माइक्रोप्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स और जो अन्य पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको भी अपने आप में खींच लेते हैं। अब देखिए म्यूजल्स किस प्रकार से वाटर को क्लीन करते हैं, पोल्यूशन को सोख लेते हैं। ये वाटर को पंप करते हैं, और जब ये वाटर को पंप करते हैं तो जो पानी ये खींचते हैं उसके बाद जब वो उसे वापस छोड़ते हैं तो उसमें जो कोई भी चीज़ होती है वो उसे अपने पास रख लेते हैं, उसे वापस नहीं छोड़ते। अगर उसमें माइक्रोप्लास्टिक हैं, कोई पोल्यूटेंट्स हैं, तो वो ये म्यूजल्स अपने पास रख लेते हैं। दैट्स वाई म्यूजल्स को काफ़ी लंबे समय से बायो इंडिकेटर के तौर पे हेल्थ जो है सी लेक्स या रिवर्स की उनको जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायो इंडिकेटर कोई भी ऐसा जीव होता है जो ये बताता है कि एनवायरमेंट की स्थिति क्या है। आप किसी भी म्यूजल को उठा लीजिए, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यू कैन आइडेंटिफाई कि जिस वाटर बॉडी में वो रह रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बिकॉज वो छोड़ता नहीं है पोल्यूशन, जो अपने पास ले लेता है वो ले लेता है। अगला आर्टिकल है हमारा क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग बनाना कल्टीवेशन से रिलेटेड। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जाके पता चला है कि क्लाइमेट चेंज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बनाना कल्टीवेशन पे भी। एक्चुअल में ये चौंका देने वाली बात इसलिए रही है क्योंकि अभी तक इसका जस्ट उल्टा हुआ है। 1961 से लेके अभी कुछ दिन पहले तक का ये सिचुएशन था कि बनाना कल्टीवेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से उसने अपनी यील्ड में इंक्रीमेंट देखा है, तो ये इसीलिए बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। और साथ ही साथ इसलिए भी हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ बनाना। इसके बेसिस पर इंडिया के अलावा कुछ और भी कंट्रीज जैसे चाइना और फिलीपींस भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में काउंट किए जाते हैं, लेकिन इंडिया पूरे वर्ल्ड का लगभग लगभग 23% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बनाना इंडिया से ही होता है। इसके अलावा जब ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि बनाना के लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे होते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रिक्वायरमेंट है। रेनफॉल के लिए ये 650 से 750 mm तक की रिक्वायरमेंट है। 750-650 ये जो भी बात हो रही है मतलब कि ह्यूमिड टेम्परेचर तो उसको चाहिए हमेशा, तो इसीलिए ह्यूमिड ट्रॉपिक्स और ड्राई माइल्ड सब ट्रॉपिक्स में इसका ग्रोथ होता है। इसके अलावा सॉइल में वो डीप रिच लोमी सॉइल में अच्छे तरीके से ग्रोथ पा सकता है। इन सभी स्पेसिफिकेशन के अलावा हम बात करें कि प्रॉब्लम अभी और कहां से आ रही है, तो जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसके एक डिसीज है जिसका नाम है फेजारियम विल्ट। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इनके कल्टिवेशन में रिडक्शन पाने के लिए। फेजारियम विल्ट को हम लोग कॉमनली पनामा डिसीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रॉपिकल एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं उनसे ये बात बोली जा रही है कि बेसिकली आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठें और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे से साझा करें, जिसके बेसिस पर ये जो भी यील्ड में डिक्रीमेंट देखने को मिले हैं इसको हम प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर पाएं। देखेंगे अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हाई एल्टीट्यूड्स में टाइगर्स के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अभी एक स्टडी को रिलीज किया है जो कि हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में टाइगर हैबिटेट के स्टेटस के बारे में बात करता है। कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया, कुछ और बातें जानते हैं। स्टडी को किसने कंडक्ट किया था जिसे अभी रिलीज किया गया, इस स्टडी को कंडक्ट किया गया था ग्लोबल टाइगर फोरम GTF के द्वारा।
और इनकी पार्टनरशिप किसके साथ थी? गवर्नमेंट ऑफ भूटान के साथ, इंडिया के साथ, नेपाल के साथ। इसके इतर इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का भी पार्टिसिपेशन था। स्टडी को सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? सपोर्ट किया गया था इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP और IUCN के द्वारा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके इतर KFW ने भी सपोर्ट किया था। KFW एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। अब देखिए जो स्टडी है वो ये क्या रिवील करती है। स्टडी रिवील ये करती है कि जो हाई एल्टीट्यूड की इकोलॉजी है वो भी टाइगर्स की ग्रोथ के लिए कंपैटिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर टाइगर्स नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ऊंचाई पर भी खुद को रख सकते हैं, वो इन्वायरमेंट भी उनके लिए कंपैटिबल है। स्टडी ने ये भी कहा कि एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए कि किस प्रकार से जो टाइगर्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर अपनी ग्रोथ अवेल कर सकते हैं, इसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये भी बात रही कि लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए ताकि टाइगर को कंजर्व किया जा सके। स्टडी ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि क्या वाइबल हैबिटेट हो सकते हैं, कॉरिडोर लिंकेजेस हो सकते हैं जिनसे दो प्रोटेक्टेड एरियाज को लिंक कर दिया जाए, टाइगर्स की आवाजाही इंश्योर कर सकें, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर कैसे कम किया जाए, और जो लैंडस्केप लेवल पे चेंजेस हैं वो कैसे किए जाएं कि इन सिटू कंजर्वेशन किया जा सके टाइगर्स का। तो कुछ बातें ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में भी कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो केवल टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए वर्क करती है। इसे 1993 में बनाया गया था इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया में टाइगर्स को बचाया जा सके, उनके शिकार को रोका जा सके। ये प्लान करते हैं कि एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाए, सभी कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें कि वो कैसे जो टाइगर्स हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, उनके प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को बढ़ाएंगे और फैसिलिटेट करेंगे इंटरपैसेस ताकि टाइगर्स अच्छी तरीके से आपस में मिलजुल सकें, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकें और अपनी ओवरऑल ग्रोथ अटेन कर सकें। कुछ बातें इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में भी कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को फॉर्म किया गया था 2014 में। उद्देश्य यह था कि जंगलों में टाइगर्स को सिक्योर किया जाए, उनके हैबिटेट को बचाया जाए और ह्यूमन पॉपुलेशन को भी सपोर्ट किया जाए टाइगर लैंडस्केप में जहाँ टाइगर्स रहते हैं। इनिशिएटिव को इसलिए तैयार किया गया था ताकि ये पैरेलली ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को सपोर्ट कर सके। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम एक ग्लोबल एफर्ट है जिसमें यह बोला गया है कि 2022 तक पूरे ग्लोब पर टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया जाएगा। जो प्रोग्राम है उसमें 12 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सारे ऐसे देशों में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन है 2000, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल एंड म्यांमार। अगला आर्टिकल है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। आपको पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज में रहता है। इस बार भी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंटर को एक नोटिस दी है। इसमें बोला है कि देखो क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के लिए 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग टाइम बाउंड एक्शन प्लान लेके आओ। टाइम बाउंड एक्शन प्लान क्यों? क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी इंडेमिक हो चुका है। ये केवल और केवल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर में इसको इंक्लूड किया जाता है और साइट्स में भी ये अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड होता है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं बल्कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इसके लिए एक रिकवरी प्रोग्राम भी चलता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में चल रहा है। इसके अलावा इनके नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलता है राजस्थान स्टेट में। इसमें क्या होता है कि इनके लिए हम कुछ ब्रीडिंग ग्राउंड्स डेवलप करते हैं, हम फेंसिंग कर देते हैं जिसके बेसिस पर कोई भी बाहर के जानवर इनको डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी इनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसके बेसिस पर ये ब्रीडिंग इंक्लोजर्स देख सकें, सिक्योर ब्रीडिंग इंक्लोजर्स देख सकें। तो ये सब बात हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ऑलरेडी कर रखी है और इससे इसका इंपॉर्टेंस भी हम देख सकते हैं। जो भी ऐसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, इंडेमिक स्पीसीज होते हैं, वो UPSC उनको बहुत टारगेट करती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन ये हमेशा न्यूज में रहती है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें, UPSC अगर मैच द फॉलोइंग में ये सब चीजें पूछती हैं कि डिजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। एक रोल्ला पडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, नाम से पता चल रहा है कुछ साउथ का रीजन होगा, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आप याद कर सकते हो। यहाँ पर आंध्रा वर्ड कहीं से आ रहा होगा या फिर आंध्र प्रदेश, ऐसा कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इन 3 चीजों को आप याद कर लो। इसके बेसिस पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी आप हमेशा याद रखना। पहला न्यूज है नीलगिरी तहार से रिलेटेड। आपको लगता होगा कि नीलगिरी तहार तो हमेशा से ही न्यूज में बना रहता है, वो इसलिए क्योंकि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी का एक स्पीसीज है। इसके अलावा लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ये न्यूज़ पॉजिटिव है
और पॉजिटिव इस सेंस में है कि इनके पॉपुलेशन में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये रिकॉर्ड किया गया है मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है यहाँ पर, और 2018 और 2019 के इनके पॉपुलेशन डेटा को कंपेयर किया गया तो पता चला कि 568 से अब ये 612 हो गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 सालों में लगातार ये देखा गया है कि ये 27% का इजाफा इनके स्पीसीज में देखने को मिला है, और खुशी की बात ये भी है कि ये इजाफा फीमेल गोट्स की तरफ स्क्यूड है, मतलब कि फीमेल गोट्स जो हैं वो ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ी है, तो इसके बेसिस पर हम फ्यूचर में भी इनके पॉपुलेशन को और तेजी से ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल जिसके बेसिस पर इनके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सबसे पहला कि जो भी इनके अपने प्लेसेस थे जैसे नेशनल पार्क, ऐसे जगहों को टूरिस्ट से बिल्कुल अलग रखा गया, इवन यहां पर पोचिंग को भी बैन कर दिया गया था। दूसरा कि यहां पर जो भी इन्वेजिव फ्लोरा थे उनके स्प्रेड के लिए भी बहुत अच्छा काम किया गया। इन्वेजिव स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि नेटिव लैंड के नहीं होते, मतलब कि अगर ये लैंड में हम कोई इन्वेजिव स्पीसीज देख रहे हैं तो वो इस लैंड की पैदाइश नहीं है, वो कहीं और लैंड से है जो कि यहां पर आ गया है और यहां के जो लोकल स्पीसीज हैं उनके लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, तो उसको हम लोग इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। यहां पर इन्वेजिव फ्लोरा के स्प्रेड की बात की गई थी जिसको हमने कम किया है। इसके अलावा नीलगिरी थार की स्पेसिफिकली बात करें तो इसको नीलगिरी आईबेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये आयुषियन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी इसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंसेस करता है, पोचिंग करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, तो उसको कंसर्न्ड अथॉरिटी हाईएस्ट पेनाल्टी के साथ चार्ज कर सकती है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि नीलगिरी ताहर जो कि मेल कैटेगरी के होते हैं, वो ऐसे मेल कैटेगरी के नीलगिरी ताहर के पीठ पर एक लाइट ग्रे एरिया का पैच होता है जिसको हम लोग सैडल भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ना, घोड़े की अगर पीठ होती है तो यहां पर हम कुछ गद्दी रखते हैं और इसके ऊपर बैठते हैं, तो इसको सैडल बोलते हैं। तो यहां पर जो मेल नीलगिरी ताहर है उसके इस वाले पोर्शन पे, पीठ के सैडल वाले पोर्शन पे लाइट ग्रे एरिया का एक पैच होता है, जिसलिए हम इसको सैडल पीक के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। इसके अलावा जो भी इसके लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है वो रेन फॉरेस्ट रीजन होता है, और उसमें भी अगर ओपन माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट मिलेगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए। ये इंडेमिक है नीलगिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट के सदर्न पोर्शन पे, इसीलिए हम इनको तमिलनाडु और केरला में भी इंडेमिक बोल सकते हैं। इंडेमिक अगर कभी भी यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछती है कि नीलगिरी ताहर इज इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट एज वेल एज ईस्टर्न घाट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल वेस्टर्न घाट के सदर्न पोर्शन पर ही ये मिलती है। या फिर अगर ये भी पूछता है कि पूरे वेस्टर्न घाट में मिलती है क्या नीलगिरी ताहर, वहां पर इंडेमिक है क्या, तो ये गलत हो जाएगा। देखो, इंडेमिक होना और मिलना अलग अलग बात होता है। इंडेमिक मतलब ये यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर पले बढ़े हैं। अगर हम इनको कहीं और लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो वहां पर भी रहेंगे, लेकिन वो उस टाइम पर इंडेमिक स्पीसीज के नाम से नहीं जाने जाएंगे। बात करते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क पे, जहां पर ये पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये तमिलनाडु के नदर्न वेस्ट कॉर्नर पर सिचुएटेड है। आप अगर तमिलनाडु का मैप थोड़ा सा इस वे में अगर देखोगे तो ये कुछ यहां पर बेस्ड है मुकुर्थी नेशनल पार्क। ये नीलगिरी ताहर वहां का एक कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज उन स्पीसीज को बोलते हैं जिसके बिना वहां का जो भी लैंड इकोसिस्टम है वो अफेक्टेड होगा। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंस के चलते इसीलिए हमने इसको पहले नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क का नाम दिया था और अब इसको हम मुकुर्थी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े माउंटेन ग्रासलैंड्स हैं, श्रब लैंड्स हैं, जिसको हम लोग शोलास के नाम से जानते हैं। शोलास क्या होते हैं? शोलास आर बेसिकली स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट जो कि वैलीज में फाउंड होते हैं। यहां पर हम लोग रेनफॉल भी काफी अच्छा देखते हैं, ऊंचे एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, विंड्स भी बढ़िया चलती है और फ्रीजिंग नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट होता है जहां पर ये नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के एरे का भी एक घर बनता है मुकुर्थी नेशनल पार्क, जैसे कि इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, ये सब भी पाए जाते हैं, लेकिन बेसिक अट्रैक्शन जो है वो नीलगिरी ताहर ही है। पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कि एक तो हमने देखा कि नीलगिरी नेशनल पार्क है नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क, और एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से फॉर्म्स में हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स? मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साइलेंट वैली। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये सब नाम हमें याद करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर के लिए आप इस क्वेश्चन को देखें जो कि यूपीएससी 2019 में पूछा गया है। इस बार ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। आपको बताना था, क्योंकि नाम बहुत कठिन है, इसको आप पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर है ये पहला,
नहीं यार, इदल पेपरा, शेनरुनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़ मुंडनथिरई टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैप पे भी होना चाहिए कि अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, जिसके बेसिस पर आप कुछ कम से कम गेस कर पाओ। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके अलावा आपने इस ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर दिया होता, लेकिन फिर भी नागार्जुन सिरिसैलम भी आप बहुत इजिली तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि बहुत दूर है। मुकुर्थी नेशनल पार्क से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसीलिए अगर आप मैप के बेसिस पर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को थोड़ा सा लोकेट करते हुए चलोगे तो एटलीस्ट अगर आपको पूरे नाम नहीं भी पता होंगे तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से आप इनको एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी रखोगे। हमारा अगला आर्टिकल आंगन से रिलेटेड है। ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में बिल्डिंग सेक्टर के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है। आंगन का फुल फॉर्म हम देखें तो ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट है। इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, और इसके साथ कोलैबोरेट किया है जर्मन की एक ऑर्गेनाइजेशन GIZ ने, जो कि इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन के अंदर दोनों कॉपरेट करते हुए इस पूरे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का बेसिक थीम यही था कि किस हिसाब से हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें जिसके ऊपर इन सब की इंटरडिपेंडेंस भी हो और साथ ही साथ ये एक दूसरे का हेल्प भी कर सकें, जिसके बेसिस पर हम बिल्डिंग सेक्टर में एक एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। अगला आर्टिकल हमारा बकवीट से रिलेटेड है। 3 से 6 सितंबर तक एक 4 दिन का इंटरनेशनल सिंपोजियम कंडक्ट किया गया था शिलोंग मेघालय के अंदर। इस सिंपोजियम पर क्या आउटपुट रहा है इसको हम पढ़ें, उससे पहले बकवीट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये एक रिलेटिवली लो इनपुट क्रॉप है जो कि मार्जिनल सॉइल में भी काफी अच्छा यील्ड दे देता है। इसके अलावा ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करता है और ये कवर क्रॉप या रोटेशनल क्रॉप के बेसिस पर भी काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। ये ना केवल वीड्स को सप्रेस करता है बल्कि जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स होते हैं उनको भी अपने ब्लॉसम के चलते अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जितने भी दूसरे ग्रेन टाइप कवर क्रॉप्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा ये सॉइल से फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये ठंडे और मॉइस्ट कंडीशन में थ्राइव करता है, इसीलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि इसके लिए ये फ्रॉस्टेड टॉलरेंट है कि इसको हम फ्रॉस्ट सिचुएशन में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बकवीट जो है ये हमारे मेडिसिनल पर्पस के लिए और हमारे फूड सोर्सेज के लिए भी एक अच्छा साधन है। इसके अलावा मेडिसिन की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम अपने ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, वेन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बकवीट को खा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने लेग्स में या फिर जो भी हमारे नीचे के पैर के तलवे या फिर इन सब पोर्शंस में जहां पर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है वेरिकोज वेन्स के चलते। वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, मतलब कि समझिए आप कुछ वेन्स में लम्स बन जाते हैं, बड़े बड़े गांठ बन जाते हैं जिसके बेसिस पर ये फ्लो रुक जाता है, तो इन सब को सही करने के लिए हम बकवीट का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं वो कभी कभी काफी कड़ी हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, उनको भी सॉफ्ट बनाने के लिए ताकि उनसे भी ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो पाए उनमें भी बकवीट का यूज होता है। इसके अलावा इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया था नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी शिलोंग ने। यहां पर बेसिक डिस्कशन यही हुआ था कि हम किस हिसाब से बकवीट ग्रेन के प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई कर सकते हैं या फिर एज ए फूड क्रॉप हम इसको कैसे अपने बास्केट में ले सकते हैं जिसके बेसिस पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी को भी अचीव किया जा सके, ह्यूमन काइंड के फूड सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके, इन्हीं सब बेसिस पर यह सिंपोजियम कंडक्ट किया गया था। न्यूज है स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मतलब UNCCD का 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका एक छोटा सा आउटकम ये भी रहा है कि इनका कहना है कि अगर हमको हिमालयन इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन को रोकना है तो हमको स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करना पड़ेगा। बात करें स्नो लेपर्ड्स की कुछ स्पेसिफिकली तो ये कैट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको हम लोग फेलिडे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके कुछ स्पेसिफिक फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इनके आप फेस पर देख रहे होंगे कुछ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और ये स्पॉट्स जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके बॉडी पे इनके बैक पे तो ये रोसेट का फॉर्म ले लेते हैं, मतलब ये थोड़े पैचेस के फॉर्म में आ जाते हैं। प्लस अगर हम इनकी टेल पर भी थोड़ा सा ध्यान दें तो ये टेल भी थोड़ी बुशी नेचर की है जो कि काफी डिफरेंट है बाकी के लेपर्ड से। ये पाए जाते हैं 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पे हिमालयन रीजन्स पे, तो इसीलिए जो भी वहां के स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी जगहों पर ये अपना हैबिटेट देखते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी ये स्नो लेपर्ड है और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल हेरिटेज एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी जो कंट्रीज जहां पर स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं वो है अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, मतलब ये पूरा एशियन वाले रीजन में ही आप देख पाओगे इनको। इसके अलावा चाइना में सबसे ज्यादा लगभग 60% स्नो लेपर्ड्स का हैबिटेट एरिया है। IUCN के रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं और साइट्स के अंदर में ये अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको फ्लैगशिप स्पीसीज का भी दर्जा दिया हुआ है हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज में। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है, एक प्रकार की ऐसी स्पीसीज जिसको हम
एम्बेसडर की तरह या फिर आइकन की तरह या फिर सिंबल की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इनके ही हैबिटेट में। जैसे कि कभी कभी बंगाल टाइगर की हम बात कर सकते हैं या फिर एशियन एलिफेंट की बात करते हैं, जायंट पांडा होते हैं, ये सब फ्लैगशिप स्पीसीज हैं अपने अपने हैबिटेट में। इनको मेजर थ्रेट्स कहाँ से हैं? सबसे पहला वो तो बहुत कॉमन सी बात है कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके हैबिटेशन में ह्यूमन अपना हैबिटेशन देख रहा है। साथ ही साथ स्नो लेपर्ड्स को इसके फर और स्किन के लिए हंट किया जाता है और एनुअल और मैन कॉन्फ्लिक्ट भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है इन सब के कारण। आर्टिकल हमारा ड्रॉट फॉरकास्टिंग टूल बॉक्स से रिलेटेड है। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर टूल बॉक्स दिया हुआ है, तो क्या कोई ऐसा टूल बॉक्स डब्बे जैसा होगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टूल बॉक्स बेसिकली एक प्रकार का ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म है। ये भी एक आउटकम है जो कि अभी हम UNCCD के COP14 की बात कर रहे थे उसी का छोटा सा आउटकम है, जो कि ये बताता है कि देखो जो भी वल्नरेबल कंट्रीज हैं ड्रॉट के लिए जैसे कि इंडिया, उनके पास एक नॉलेज बैंक का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज बैंक होगा तो इसके बेसिस पर ये कुछ केस स्टडीज को पढ़ के या फिर जैसे कि ऐसी सिचुएशन और कहां पर हो चुकी है ऑलरेडी और उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, उसके बेसिस पर अगर हमारे पास एक नॉलेज बैंक, एक केस स्टडी का पूरा एक रिसोर्स या फिर कोई सपोर्ट एक्शन ऑलरेडी हमारे पास रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम ड्रॉट रिस्क को अच्छे तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे या फिर हमें पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि उसका हम प्रिपेयर्डनेस कैसे मेंटेन करें और हम उसको इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे वैसे सिचुएशन में। इसके अलावा इस ड्रॉट फोरकास्टिंग टूल बॉक्स के अंदर तीन पिलर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहला कि हमको जो भी डिसीजन मेकर्स होंगे उस कंट्री के, उनको सबसे पहले ड्रॉट कंडीशंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। उनको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पर वो अर्ली वार्निंग जारी कर पाएं और कुछ फॉरकास्टिंग टूल्स भी इनको बनाने पड़ेंगे, कुछ सैटेलाइट्स वगैरह लगानी पड़ेगी जिसके बेसिस पर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सब तक भेज भी सकें और ये फॉरकास्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखें। इसके अलावा इनको कुछ ऐसे हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर ऐसे ड्रॉट कंडीशन की वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इनको कुछ रिस्क मिटिगेटिंग टूल्स भी देखनी पड़ेगी, कुछ पॉलिसीज फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा और कुछ टेक्निकल मेजर्स लेने पड़ेंगे इन सभी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद आपको ये भी एक बात बतानी चाहिए कि बहुत सारे कंट्रीज आज के टाइम पर ऐसे हैं जहां पर ड्रॉट कंडीशन को डिक्लेयर करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो समझ नहीं पाते कि ये वाला कंडीशन ड्रॉट का है कि ये वाला कंडीशन ड्रॉट का नहीं है। तो ये जो ड्रॉट फॉरकास्टिंग टूल बॉक्स है ये इनको हेल्प करेगा ये बताने में कि देखो ये कंडीशन ड्रॉट का है, ये कंडीशन ड्रॉट का नहीं है, आप इस केस में ड्रॉट को डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा हमको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि जो हमारा SDG 15 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, उसको अचीव करने के लिए ड्रॉट जो है बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। SDG 15 हमको क्या कहता है कि हमको अपने इकोसिस्टम को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, रीस्टोर करना है। बहुत जगह जहां पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं तो उनको रिवर्स करो, उनको रोको, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करो, डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करो। इन सब बेसिस पर जो ड्रॉट की फैसिलिटी है ना, ये ड्रॉट के चलते बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ते हैं SDG 15 को अचीव करने के लिए। अगला आर्टिकल हमारा क्रायो ड्रेकोन बोरियोस से रिलेटेड है। कनाडा की डायनासोर पार्क फॉर्मेशन में कुछ पेलिंटियोलॉजिस्ट ने एक नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है क्रायो ड्रेकोन बोरियोस। ये एक प्रकार का टेरोसोर है। जैसे कि डायनासोर होते हैं वैसे ही टेरोसोर, मतलब बहुत बड़े होंगे ये। और ये बेसिकली टेरोसोर क्या होते हैं, ये एक प्रकार के फ्लाइंग रेप्टाइल्स होते हैं। ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स मतलब इनके बहुत बड़े बड़े विंग्स होते होंगे। विंग स्पैन यहाँ पे इनका बताया जा रहा है कि लगभग लगभग 10 मीटर का होता होगा। ये डायनासोर के ऊपर से उड़ जाते होंगे। तो जो भी अभी तक हम मूवीज वगैरह में देखते हैं तो ये उस प्रकार की एक नई स्पीसीज है जो कि लेट क्रेशेसियस पीरियड मतलब कि 77 मिलियन ईयर पहले उड़ते होंगे। इसको कनाडा की पहली प्टेरोसोर स्पीसीज में भी काउंट किया जा रहा है। हमारा अगला आर्टिकल जिंजीबर से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने जिंजीबर की दो नई स्पीसीज खोज निकाली है नागालैंड से। इसमें से पहले नाम है जिंजीबर पेरिनेंस और दूसरा नाम है जिंजीबर दीमापुरेंस। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये पिरिन और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, इसी जगह के नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया है। यहां पर ये थोड़े अलग से स्पीसीज हैं क्योंकि इनके पॉलिन्स जो हैं वो एलिप्सॉइडल शेप के हैं। एलिप्सॉइडल क्या होते हैं, जैसे कि आप एक स्फेयर ले लो, एक बॉल ले लो और उसको आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके उसको पिचका दो, तो जो भी एक डिफॉर्म स्टेट में वो बॉल रहेगा वो कुछ एलिप्सॉइडल शेप का बनेगा। तो ये कुछ ऐसे हैं। इनके कलर्स भी थोड़े डिफरेंट हैं, पर्पलिश रेड कलर है और कहीं पे ये डार्क पर्पल कलर के हैं। इसके अलावा जो ये जिंजीबर पेरिनेंस है, इसकी हाइट जिंजीबर दीमापुरेंस से थोड़ी सी ज्यादा है। ये 9120 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये 70 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। इसके बाद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम जिंजीबर जीनस की लें तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 141 स्पीसीज हैं थ्रू आउट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक या फिर साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनमें 141 स्पीसीज के 20 स्पीसीज जो हैं वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं और वहीं से हमने इन दो नई स्पीसीज को भी आज फाउंड कर लिया है। अगला आर्टिकल हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड है।
हाल फिलहाल में बहुत दिनों से हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि यूएनसीसीडी का भी ग्रेटर नोएडा में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रहा है। इस बार COP 14 है, यूएनसीसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का। अब जब ये ग्रेटर नोएडा में ये पूरी COP 14 ऑर्गेनाइज हो रही है तो अब ये कंक्लूड हो चुकी है और इस कंक्लूजन पे एक दिल्ली डिक्लेरेशन आउटकम आया, या फिर ये दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। तो अगर कभी यूपीएससी पूछती है ना कि हाल फिलहाल में अभी रिसेंट ईयर्स में दिल्ली डिक्लेरेशन न्यूज में था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हो कि ये यूएनसीसीडी से रिलेटेड है। अब ये जो सीओपी 14 है, इस दिल्ली डिक्लेरेशन में कुछ आउटकम्स हुए होंगे ना, तो इन आउटकम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोटे मोटे तौर पे इन्होंने क्या बात की है इस पूरे मीटिंग में। तो हम समराइज कर रहे हैं एक तरीके से यूएनसीसीडी के इस मीटिंग को। सबसे पहली बात इन्होंने की कि देखो, हमको लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को 2030 तक अचीव करना है। अभी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमको डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना होता है, मतलब कि जो भी लैंड है उसको डिग्रेड होने से हमें रोकना है। तो हमें रोकना भी है और न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि यूएन इस बात को इंश्योर करेगा कि हम बहुत ज्यादा लैंड रिसोर्स ना यूज कर लें, कि हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर ही ना बन पाए। मतलब कि जितने भी वर्ल्ड के अक्रॉस में हम लैंड को यूज कर पा रहे हैं, उसको हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर हमेशा मेंटेन रहे, उसमें कोई कमी ना आए। तो इस हिसाब से हम इस न्यूट्रलिटी को 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, और ये कैसे अचीव करना चाहते हैं, यही दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। हमारे एनवायरमेंट के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अपने 2 साल के यूएनसीसीडी के लीडरशिप को इंश्योर करते हुए बोला है कि हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इफेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन COP 14 के कुछ की पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहला, प्रमोट प्रोजेक्ट्स टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट, इरोजन लोकल, नेशनल एंड रीजनल लेवल्स। जितने भी इन सब जगहों पर हम इनको रोक सकते हैं, उनको हमें लैंड डिग्रेडेशन को रोकना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ग्रीन जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। ग्रीन जॉब्स क्या होती है? ग्रीन जॉब्स ऐसी कोई भी डिसेंट जॉब को हम बोल सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए या फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए हो। तो ऐसे ग्रीन जॉब्स को हम प्रमोट करेंगे, हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करेंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करके हम इस पूरे इन्वायरमेंट को सुरक्षित बनाएंगे। इसके अलावा यूएन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, सभी कंट्रीज के बिहाफ पे 2021 से 2030 तक इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है। ये एक प्रकार का लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक कॉपरेशन है। मतलब कि ये इनिशिएटिव इस कॉपरेशन के लिए लिया गया है कि हम और अच्छे तरीके से एक साथ मिलकर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को 2030 तक अचीव करना चाहेंगे। इसके अलावा जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी हम इनकरेज करने का पूरा प्रावधान देखेंगे इसके अंदर। मतलब कि आपको तो पता ही होगा ना, ये लोकल गवर्नमेंट भी तो कहीं ना कहीं अपने लैंड यूसेज को देखते ही होंगे, तो ये अपने लैंड यूसेज को इस तरीके से देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी रिहैबिलिटेट कर पाए। मतलब उसको नेचुरल रिसोर्सेज पर कोई फर्क ना पड़े, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए ये लैंड यूज मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया अपने साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, या फिर जो उसने एक बड़ा गोल लैंड रिस्टोरेशन के लिए अचीव किया है, इसके चलते जितने भी सीओपी 14 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया के एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया है। हमारा अगला आर्टिकल P4 1000 इनिशिएटिव से रिलेटेड है। ये भी आप यूएनसीसीडी का एक आउटकम के तरीके से ही मान सकते हो। यहां पर एक नई इनिशिएटिव ली गई जिसका नाम है TICD, मतलब कि ट्राइफेड्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मतलब जो भी ट्राइबल एरियाज होंगे वहां पर भी हम डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव निकाली है 4 per 1000, मतलब 4P1000 इनिशिएटिव। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी ट्राइबल पर्सपेक्टिव है उनको बैम्बू नॉमिक्स के चलते हम इंकरेज करना चाहेंगे। बैम्बू नॉमिक्स क्या है, आप एक प्रकार का कोई भी वर्ड समझ सकते हो जिसमें हमने 2 वर्ड्स को मिक्स कर दिया है। इसमें बैम्बू और इकोनॉमिक्स को मिक्स करके बैम्बू नॉमिक्स बना दिया है। मतलब कि हम इनकी इकोनॉमी को इंक्रीज करना चाहते हैं बैम्बू प्लांटेशन के थ्रू। सिंपल मतलब है ये। इस इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें तो जिस हिसाब से भी दिल्ली डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर एक ट्राइफेड दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज किया गया है। इसी के अंदर हम P4000 इनिशिएटिव्स को देख रहे हैं। इसके अंदर जो ट्राइफेड है वो अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री वंदन योजना का इनॉग्रेशन किया था। इसको इसी ग्लोबल इन्वायरमेंट इंटरवेंशन के साथ मिक्स करके या फिर इंटीग्रेट करके हमने TICD का नाम दे दिया, ट्राइफेड्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये जो प्रधानमंत्री वंदन योजना है इसके अंदर हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। इसमें हम हनी या फिर लैक या फिर बैम्बू के चलते इन प्लांटेशंस के थ्रू ट्राइबल एरियाज में भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को मिक्स करके अब TICD
ट्राइफेड इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन नाम से ये इनिशिएटिव ले लिया गया है। इसके अलावा जो P4-1000 इनिशिएटिव है, जैसा कि हमने बात किया, ये डिग्रेडेड वेस्टलैंड को वापस से रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक सॉल्यूशन है, जिसके बेसिस पर हम लोग बैम्बूज को प्लांट करते हैं। बैम्बूनॉमिक्स के अंदर बैम्बूज को प्लांट क्यों करते हैं, देखो बैम्बू क्या होता है ना, बहुत तेजी से बढ़ता है और काफी डीप तक ये सॉइल में पेनिट्रेट करता है, तो इसीलिए ये सॉइल को मजबूती प्रदान करता है, मतलब कि वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा फिर। इसके अलावा अगर हम लोग P4000 इनिशिएटिव के हिस्ट्री की बात करें, तो इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं COP21 से, जो UNFCCC के अंदर में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना 2015 में, आपको याद होगा बहुत ही फेमस था। तो यहां पर एक लीमा पेरिस एक्शन प्लान साइन किया गया था, इसके अंदर बोला गया था कि जो भी ऐसे वॉलंटरी स्टेक होल्डर्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के हो सकते हैं, उनको एक P per 1000 इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसी के चलते अब हम लोग UNCCD के अंदर में इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे इनिशिएटिव या फिर P per 1000 का मतलब क्या है, इसका मतलब है P per 1000, इसका मतलब यह है कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में हमको CO2 का कंसंट्रेशन रिड्यूस करना होता है, और ऐसे बहुत जगह हैं जहां पर हम CO2 के सिंक का काम देख सकते हैं, सिंक मतलब जो CO2 को एब्जॉर्व कर ले, तो इसके लिए हमें एक ओशियन का सहारा मिलता है कि ओशियन एक बड़े अमाउंट में CO2 को एब्जॉर्व करता है। इसके अलावा सॉइल भी एक बढ़िया सॉल्यूशन है, तो सॉइल में भी अगर हम ये इंश्योर करें कि हम सॉइल कार्बन स्टॉक मेंटेन करें 0.4% का, जो कि सॉइल के शुरुआती 30 से 40 सेंटीमीटर डेप्थ तक इस CO2 को एब्जॉर्व कर लेगा, इसी बेसिस पर हम लोग 4 per 1000 की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि 4 per 1000 मतलब 4/1000 करेंगे तो कितना आएगा, 0.4% ही आएगा ना, तो ये 0.4% की हम बात एक्चुअल में कर रहे हैं कि हमें इतना सॉइल कार्बन स्टॉक को मेंटेन करना। न्यूज वल्चर से रिलेटेड है, आपको भी पता होगा कि वल्चर हमेशा साल भर न्यूज में रहता है, कोई ना कोई इंसिडेंसेस जरूर से होते हैं वल्चर से रिलेटेड, कोई रिसर्च या फिर कोई रिपोर्ट सामने आती है जिसके बेसिस पर यह हमेशा न्यूज में रहता है। ऐसा ही कुछ रिपोर्ट अभी भी सामने आया होगा जिसके कारण ये न्यूज में है। मुद्दे की बात यह है कि इनके नंबर अचानक से बहुत कम हुए हैं, जैसे कि 1980s की अगर हम बात करें तो 1980s के टाइम पर ये 40 मिलियन की पॉपुलेशन में रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर या फिर 2009-10 तक अगर हम देखेंगे तो इनकी संख्या चंद हजारों तक बची है केवल। तो ये इतना स्टीप रिडक्शन इनके पॉपुलेशन में हुआ है, यही हमेशा न्यूज का कारण बनती है। इसके पीछे का अगर रीजन जानने की कोशिश करें, आखिर इनका ये जो स्टीप रिडक्शन है इनके पॉपुलेशन में, वो आखिरकार क्यों है, तो एक रीजन समझ में आता है, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डाइक्लोफिनैक के कारण। एक ड्रग है, एक मेडिसिन है डाइक्लोफिनैक, जो कि केटल्स में यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन ट्रीट करने के लिए। इन्फ्लेमेशन मतलब मान लीजिए उनकी स्किन स्वेल हो जाती है, कहीं चोट लग जाता है या फिर रेड हो गई है, तो इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो डाइक्लोफिनैक टैबलेट्स का यूज करते थे, जो कि 2008 में ऑलरेडी बैंड हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा होता है कि इन द एक्सट्रीम सिचुएशंस डाइक्लोफिनैक कहीं ना कहीं उनको डॉक्टर्स दे देते हैं, या फिर डाइक्लोफिनैक हम भी खाते हैं, जैसे हमें भी अगर कभी सिर दर्द, बॉडी में एक हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी, या फिर ऐसे ही इन्फ्लेमेशन वाले कुछ रीजंस हैं तो हम भी डाइक्लोफिनैक टैबलेट यूज करते हैं। तो इन सब चीजों से, अभी डाइक्लोफिनैक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये समझो कि ये जो वल्चर का पॉपुलेशन रिडक्शन है, और आपको पता है कि वल्चर क्या है, एक स्कैवेंजिंग बर्ड है। स्कैवेंजिंग बर्ड का मतलब क्या है कि ये डेड डिकेइंग एनिमल्स पर फीड करता है, जो ऐसे केटल्स होते हैं जहां पर हमने उनको डाइक्लोफिनैक मेडिसिन दी हुई है, वो अभी भी उनके शरीर में बचा रहता है, जिसको ये कंज्यूम करते हैं और फिर ये डेथ के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इनका एक स्टीप रिडक्शन दिखा है पॉपुलेशन में। इनको कंजर्व करने के लिए एक वल्चर केयर सेंटर की भी स्थापना की गई है, जिसके अंदर हम लोग ऐसा क्यों हुआ, वल्चर के डेथ का क्या कॉज है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये वल्चर केयर सेंटर हरियाणा के पिंजौर जगह पर है। इसके अलावा हमने कुछ 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स भी खोल रखे हैं इंडिया में, जो कि बेसिकली इनके ब्रीडिंग के लिए काम करती है, इनको कंजर्व करने का काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आपको कैप्टिविटी में या पिंजड़े में बंद करके कंजर्व करना है, बल्कि इन VCBCs का मेन काम होता है कि हम उनको इस हिसाब से पाले पोसें जिसके बाद हम उनको वाइल्ड में छोड़ दें कि वो फिर अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएं। हमें उनको ब्रीड करने का या फिर सॉरी उनको कैप्टिव बनाने का कोई मकसद नहीं है VCBCs के अंदर। इन 9 VCBCs में से जो 3 हैं उनको डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब इतनी फर्दर इन्फॉर्मेशन देने की क्या ही जरूरत है, क्या हमें ये सब याद करना पड़ेगा, तो हाँ जी बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि UPSC BNHS से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है,
क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा क्या था। सबसे पहला उसने तीन स्टेटमेंट्स दिए थे। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था कि एक प्रकार का ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि ये बेसिकली नेचर को कंजर्व करने के लिए या फिर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, रिसर्च और एजुकेशन में इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके लिए स्ट्राइव करती है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ था कि ये बेसिकली जो भी जनरल पब्लिक होते हैं वहां पर कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है जिसके बेसिस पर ये उनके बिहेवियरल चेंजेस को ट्रीट करती है। मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स तीन दिए हुए थे। आपको बताना था कि कौन से स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है। अब देखो, आप जब भी बीएनएचएस पढ़ो तो आपको एक बात तो हमेशा से तय होनी चाहिए कि बीएनएचएस जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ है इंडिया के अंदर। ये एनजीओ बेसिकली बायोडाइवर्सिटी रिजर्व को कंजर्व करने के लिए इंगेज्ड है। इसके अलावा ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। तो इससे एक बात तो तय है कि ये एनजीओ है और ये ऐसा कोई भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करती होगी। तो तीन ऑप्शंस में 111 करेक्ट दिया हुआ था। जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट गलत करते, आपको ये पता हो कि नहीं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये सब बेसिक डिटेल्स में काम करती है कि नहीं, कैंप्स वगैरह क्रिएट करती है कि नहीं, वो यूपीएससी कभी आपसे चाहता भी नहीं है। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि बीएनएचएस जो है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होता है जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बस इतना पता होना था आपको। और आप एक बात ध्यान देना, जब भी आप इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये जरूर से पता होना चाहिए कि ये क्या कोई एनजीओ है कि नहीं। पिछले 5 से 6 सालों का पेपर उठा के देख लो, केवल और केवल इस बेसिस पर ही इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ऐसे जो भी रिलेटेड होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे आपके कि ये एनजीओ है कि नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए था। हर बार यही स्टेटमेंट आता है, हर बार यही बेसिक क्राइटेरिया होती है, इसलिए इन सब बातों पर आप बहुत डिटेल से माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आगे पढ़ना, ठीक है। तो ये तो हमने बीएनएचएस की भी थोड़ी सी बात कर ली, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। इसमें जो भी वीसीबीसीज हैं, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कुछ ऐसे 100 पेयर्स मेल और फीमेल दोनों ही ऐसे वल्चर से क्रिएट कर दें और फिर जो भी ये इनडेंजर्ड हम इनको बोल रहे हैं इनको हम वाइल्ड में छोड़ देंगे तो ये अपने आप मैनेज कर लेंगे इस सब चीजों को। लेकिन इसके लिए ब्रीडिंग का काम ये करते हैं वीसीबीसीज। इनके अलावा डाइक्लोफेनाक की अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो ये एक प्रकार का एनसेड है। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेन को रिड्यूस करने के लिए या फिर फीवर को डिक्रीज करने के लिए या फिर कभी अगर ब्लड क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं ना तो उनको भी प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर हम इनको बहुत ज्यादा हायर डोसेस में देंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का, डिक्रीज करने का काम करता है। लेकिन इस ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये साइड इफेक्ट्स क्या है, जैसे कि हमको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है या फिर जो भी ब्लीडिंग्स हैं उसमें भी रिस्क हो सकते हैं या फिर हमारे किडनी डिसीज या फिर कोई हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी आ सकती है इन डाइक्लोफिनेक जैसी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को लेने से। तो ये क्या करता है कि बेसिकली ये तो इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करने के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी डाइक्लोफिनेक का कभी कभी हम लोग यूज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। दोनों अर्थराइटिस हैं। अर्थराइटिस मतलब जो भी जॉइंट्स होते हैं ना उनमें कुछ पेन होता है, उनको रिलीव करने के लिए ये दो प्रकार हैं। अब ये जॉइंट पेन कारण क्या बनता है उसके पीछे का, इस बेसिस पर ये दो टाइप्स के होते हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है कि जो भी जॉइंट सिम्टम्स है ना उसमें वियर एंड टीयर के कारण, मतलब इतना ज्यादा हमने उसमें काम कर लिया है वियर एंड टीयर के कारण वो जॉइंट थोड़ी सी घिस गई है, इसके वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। और जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है इसका बेसिक कॉज ये होता है कि एक प्रकार की ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी में जो भी एक इम्यूनिटी सिस्टम है इस इम्यूनिटी सिस्टम पर ये अटैक करती है और जो भी बॉडी के जॉइंट्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप करता है उस सिस्टम को ये डैमेज कर देती है जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होता है। तो दोनों ही आर्थराइटिस का कॉज है। इन दोनों ही केसेस में डाइक्लोफिनेक कभी कभी यूज कर लिया जाता है। तो जानवरों में भी और कैटल्स में भी कभी भी ये होता है तो वहां पर भी डाइक्लोफिनेक दे देते थे। ये साफ साफ तौर पे आप कभी भी डाइक्लोफिनेक मेडिसिन लोगे तो आपको मेडिसिन के पीछे लिखा होगा कि ये 18 ईयर ओल्ड से कम बच्चे इसको कंज्यूम ना करें, लेकिन फिर भी अब नॉर्मली यूजुअली डॉक्टर्स देते हैं और लोग कंज्यूम भी करते हैं। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण वल्चर का पॉपुलेशन काफी डिक्रीज हुआ है। अगर यूपीएससी कभी आपसे ये पूछता है कि वल्चर के सभी क्राइटेरिया जितने भी टाइप्स हैं सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या, तो ये एक नहीं में आंसर आप दोगे। और इसके पीछे आप ये रीजंस देख सकते हो कि बहुत सारे नियर थ्रेटेंड हैं, लीस्ट कंसर्न्ड है, कुछ इंडेंजर्ड है और कुछ ये चार प्रजातियां हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। एक वाइट बीक वल्चर है, एक स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर है जिसको हम लोग जिप्स वल्चर भी बोलते हैं, एक लॉन्ग बाइल्ड
वल्चर जिसको जिप्स इंडिकस बोलते हैं, और इसको जिप्स बहुत ही कठिन नाम है, आप छोड़ो यही नाम पढ़ लो, स्लेंडर बाइल्ड और लॉन्ग बाइल्ड। इसके अलावा एक व्हाइट बेग और एक रेड हेडेड, ये चार नाम आप पढ़ लो जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये सारे के सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगला आर्टिकल हमारा जलदूत एग्जीबिशन से रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की स्टेट रोड का ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और रीजनल आउटरीच ब्यूरो है, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में, इन दोनों ने मिलकर एक नया कंपेन चलाया है जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए एक बड़ी सी बस निकाली गई है, इस बस को थोड़ा सा पेंट कर दिया गया है इस बेसिस पर कि हम इस अभियान को, इस जल दूत एग्जीबिशन को अच्छी तरीके से हम लोगों के सामने लेकर आए। जो भी ये बस है इसमें ऑडियो विजुअल सारे पैनल्स लगा दिए गए हैं, इसके अंदर ही सॉन्ग और ड्रामा डिवीजन के कुछ कल्चरल ट्रूप्स और आर्टिस्ट भी होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर नुक्कड़ नाटक या फिर इन सब के चलते बस के पास में ही चल के लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई आपको पानी को कम से कम बर्बाद करना है। ये पूरा जो जलदूत इनिशिएटिव है ये अगले 2 महीने में, ये जो बस है ये महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल करेगा और अलग अलग जगहों पर अवेयरनेस क्रिएट करेगा। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जैसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, रैलीज कंडक्ट किए जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। तो इन सब वजहों से या फिर इन सब सोर्सेज के थ्रू आप ये कंपेनिंग या फिर आप जलदूत अभियान चलाने में देख सकते हो। इसके अलावा हमें पता है कि 2019 में एक जल शक्ति अभियान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका भी बेसिक काम यही था कि हमको वाटर कंजर्वेशन पर फोकस करना है। इसके चलते जो भी 256 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्री में ऐसी हैं जहां पर वाटर एक जो स्कार्स रिसोर्स बन गया है, वहां के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये वाटर कंजर्वेशन कंपेन चलाया गया था, जल शक्ति अभियान। अगला आर्टिकल हमारा इंडिया के कूलिंग एक्शन प्लान से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में अभी वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया है। इस बेसिस पर हम जानते हैं कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान दरअसल है क्या। इसको 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। इसके अलावा इसका बेसिक एम ये है कि हम किस हिसाब से अपने पूरे सोसाइटी के लिए एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी सिक्योर करने की बात कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपने सभी पॉपुलेशन, सभी सिटीजन्स को कूलिंग और थर्मल कंफर्ट देना चाहते हैं। अब ये कूलिंग और थर्मल कंफर्ट क्या है, आपको पता होगा कि हैवी जब जून का मंथ होता है या फिर जुलाई के मंथ में या फिर आजकल के टाइम पे आप देखते होंगे काफी ज्यादा गर्मी लगती है। तो इस गर्मी से कैसे लोगों को आसानी मिल सकती है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लेके आना, मतलब ये सब काम कूलिंग एक्शन प्लान के अंदर में लिखा गया है। बात करें कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो कूलिंग डिमांड है उसको भी हम मीट करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अगले 20 साल में वहां पर हमें पता है कि रेफ्रिजरेंट का डिमांड या फिर एनर्जी यूज का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो उनको हम एक अल्टरनेटिव सोर्स से कैसे काउंटर कर सकते हैं या फिर एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिखाना। इसके अलावा जो RAC मतलब रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सर्विस टेक्नीशियंस होते हैं उनको ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करना। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज को मैप करना, जिस हिसाब से अलग अलग कूलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि हमें कुछ रेफ्रिजरेंट बेस्ड टेक्नोलॉजीज चाहिए, कभी कभी हमको एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है, तो इन सब में और भी क्या एडवांसमेंट लाया जा सकता है इसके बेसिस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कूलिंग एक्शन प्लान का। टारगेट्स क्या क्या रखे गए हैं इसके अंदर, 2037-38 तक आते आते हमको कूलिंग डिमांड को 20-25% तक रिड्यूस करना है सभी सेक्टर्स में। इसके अलावा 2037-38 तक आते आते कूलिंग के साथ साथ रेफ्रिजरेंट की भी डिमांड हमको कम करनी है। जो भी अभी कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी 2037-38 तक हमको 25-40% तक रिड्यूस करना है। हमको कूलिंग और रिलेटेड एरियाज को रिकॉग्नाइज करते हुए ये देखना है कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नेशनल प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उसमें रिसर्च फील्ड को हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाएं। इसके अलावा हम जो भी सर्विस सेक्टर टेक्नीशियंस हैं उनको 2022-23 तक ऐसे लगभग 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस होंगे जिसको स्किल इंडिया मिशन के अंदर हम लोग ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे बड़ा तो यही होगा कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट डेवलप करना चाहते हैं वर्ल्ड के लिए जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में पहला ऐसा कोई कंट्री इंडिया बन जाएगा जो कि कूलिंग एक्शन प्लान को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर चुका हो। इवन कूलिंग एक्शन प्लान भी इंडिया के तरफ से एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है जो कि अभी इंडिया ने पहली बार ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री है जिसने कूलिंग एक्शन प्लान जैसा कोई एक प्लान निकाला है। इसके लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसको सराहा भी जाता है। अभी आपने देखा कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन ने भी इसको बोला है।
बेनिफिट्स की बात करें तो मल्टीपल डायमेंशन में हम बेनिफिट्स देख सकते हैं। सबसे पहले कि थर्मल कंफर्ट सबको मिलेगा, जैसे जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के हाउसिंग वाले मेंबर्स हैं, उनको एक कूलिंग का प्रोविजन मिलेगा। जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि आखिर क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हम एसी को सस्ते दामों में देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि आपको पता होगा कि आप गांव में जाओ, गांव में कुछ ऐसे घर बने होते हैं जो कि अपने आप में बहुत ठंडे होते हैं, उसके अंदर पंखे नहीं भी चलते होते ना तब भी वो बहुत ठंडा होता है, वहां पे आपको स्वेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, या फिर कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज जो कि इन हीट को एसीज के अगेंस्ट काम करने की बात कर दे, मतलब कि आपको एसी की जरूरत ही ना पड़े, आपके कमरे में अगर नॉर्मल एक सीलिंग फैन भी चल रहा होगा तो इस सीलिंग फैन का भी हवा इतना ठंडा आएगा कि आपको थर्मल हीटिंग या फिर थर्मल कूलिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ठंड में ना गर्म में, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा ये, या फिर हम बोलते हैं उसके अनुकूल होगा। इसके अलावा हम फार्मर्स की भी इनकम डबल करने का एक बेनिफिट देखते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस एक्शन प्लान के अंदर हम लोग कुछ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेंगे। जब भी ऐसा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी किसान प्रोड्यूस करते हैं वो कम वेस्टेज होंगे, और जब कम वेस्टेज होंगे तो उनके प्रोडक्ट्स के दाम भी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा हमने बात किया कि बहुत बड़े लेवल पर जो भी स्किल्ड वर्क फोर्स है उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को भी हम बेटर करेंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो भी कूलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, और एक इनोवेशन भी रहेगा इस पूरे फील्ड में। हमारा अगला आर्टिकल अमराबाद टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि भी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को यह परमिशन दे दिया था कि आप अमराबाद टाइगर रिजर्व में जाकर यूरेनियम माइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको पता होगा जब भी यूरेनियम का नाम सुनते हैं लोग तो थोड़े परेशान हो जाते हैं वहां के आसपास के लोग, और इवन उसके बाद ये भी होता है कि उनको लगता है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनके ऊपर थ्रेट होगा, या फिर वहां की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक थ्रेट होगा, या फिर जो भी रिवर्स वहां से पास होती है वहां पे कुछ थ्रेट होगा। तो इसके चलते इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तेलंगाना की स्टेट असेंबली ने एक हाल फिलहाल में रिजोल्यूशन पास किया है इसके अगेंस्ट कि आप जो ये अमराबाद टाइगर रिजर्व जो कि नलमला फॉरेस्ट के अंदर बेस्ड है यहां पर यूरेनियम माइनिंग को जो परमिशन दी गई है उसको मना कर दिया जाए। इनका बेसिस क्या है बताने का, वो यही है कि देखो यहां पर बहुत बड़े लेवल पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो अफेक्टेड होगी। इसके अलावा हैदराबाद का एकमात्र ड्रिंकिंग का जो सोर्स है वो कृष्णा रिवर है, और कृष्णा रिवर के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम माइनिंग करते हैं तो इन सब रीजंस के अलावा, इसके अलावा चेंचू ट्राइब रहती है वहां पर, तो चेंचू ट्राइब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम अमराबाद टाइगर रिजर्व की स्पेसिफिक बात करें तो ये नलमला फॉरेस्ट के अंदर जो कि लगभग 2800 किलोमीटर एरियाज में बेस्ड है, इसके अंदर केवल और केवल 83 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया था। ये शुरुआती दौर पे देखा जाए तो नागार्जुन सागर और श्रीसैलम टाइगर रिजर्व का ही पार्ट था ये अमराबाद टाइगर रिजर्व, लेकिन हमको पता है कि जब स्टेट बाइफकेट हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में तो ये टाइगर रिजर्व्स भी बाइफकेट हो गए। आज के टाइम पर ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये हमारे कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से पड़ गया, और जो अभी आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहां पर अभी भी नागार्जुन सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व ही है। तो कभी भी अगर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछता है तो ये आपको ध्यान रहे कि ये अभी आंध्र प्रदेश में है और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ये तेलंगाना में है जिसको हम लोग अमराबाद टाइगर रिजर्व देते हैं, और ये भी याद रहे कि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। इसके अलावा यूरेनियम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का आंध्र प्रदेश स्टेट एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। यहां पर एक तुमलपल्ली विलेज है जो कि आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड है, यहां पर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व पाया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा क्लीनलीनेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, मतलब कि स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा सेटअप करने के लिए डिसाइड किया जा रहा है। ये डिसाइड इसलिए किया गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी का 150th बर्थ एनिवर्सरी होगा तो उसी उपलक्ष्य में ये वर्धा के पास में ये स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, जिसके बेसिस पर ये यूनिवर्सिटी का मेन काम ही होगा कि हम किस हिसाब से क्लीनलीनेस के और अच्छे सॉल्यूशंस पे हम रिसर्च कंडक्ट करें, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए उत्साहित करें, साथ ही साथ जो भी दूसरे परमानेंट सॉल्यूशंस और एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इस क्लीनलीनेस मिशन के अंदर, ये सब इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में देखरेख में होगा। इसके अलावा इसको इंप्लीमेंट करने के पीछे रीजन ये है कि अभी हमें पता है कि स्वच्छ भारत मिशन हमने लॉन्च कर दिया है, लेकिन फिर भी ऐसे शहर के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि अभी भी हेल्थ इश्यूज के साथ अफेक्टेड हैं, और अभी भी वहां पर रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण उतनी स्वच्छता नहीं देखने को मिलती है जितना कि हमने सोचा था।
तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का क्लीनलीनेस कैंपेन है जो कि 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसको हम एक क्लीन इंडिया ड्राइव में भी चेंज कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर 2019 मतलब इस साल के 2 अक्टूबर में हम महात्मा गांधी के 150th बर्थ एनिवर्सरी में महात्मा गांधी को एक तोहफा देना चाहते थे इस ट्रिब्यूट के फॉर्म में कि हम अपने पूरे देश को क्लीन करेंगे। इस मिशन के 2 सब मिशन्स हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन और एक अर्बन क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन है। जो ग्रामीण वाला स्वच्छ भारत मिशन है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन या फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगला आर्टिकल हमारा ओडिशा गवर्नमेंट के पैराक्विट हर्बिसाइड को बैन करने से रिलेटेड है। ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों से लगभग 170 लोगों के मौत का कारण ये पैराक्विट हर्बिसाइड बन चुका है। डॉक्टर्स की माने तो इनका कहना है कि इस हर्बिसाइड का हमारे पास अभी तक कोई एंटीडोट नहीं है, और इसीलिए जो भी इसके कंज्यूमर्स होते हैं वो किडनी, लिवर और लंग प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। अगर पैराक्विट की बात करें तो ये अभी स्विट्जरलैंड को मिला के ऐसे लगभग 32 कंट्रीज हैं जो कि पैराक्विट हर्बिसाइड को बैन कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड का स्पेसिफिकली नाम यहां पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी हर्बिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी है सिजेंटा, वो सिजेंटा स्विट्जरलैंड में ही बेस्ड है, उसने भी पैराक्विट हर्बिसाइड को बैन कर रखा है। इसके अलावा एक अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है कविता कुरुगंती के द्वारा, इन्होंने भी, ये एक प्रकार की हर्बिसाइड एक्टिविस्ट हैं, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड एक्टिविस्ट, तो इन्होंने एक लिस्ट प्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। 99 पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स की ये लिस्ट पैराक्विट को भी इंक्लूड करती है। इनका मानना है कि इन सभी 99 पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को हमें बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि इस हर्बिसाइड को भी बैन कर पाया है। प्रॉब्लम की सिचुएशन यहां पर आती है जब हम रोटरडैम कन्वेंशन, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम लोग हजार्डस केमिकल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन करते हैं, उसने भी अपने प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट वाले लिस्ट पे पैराक्विट हर्बिसाइड को इंक्लूड नहीं किया है। बात करें रोटरडैम कन्वेंशन की तो ये एक प्रकार का मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो ये है रोटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो हम बार बार प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है कि अगर रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर अगर आप कोई भी हजार्डस केमिकल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो दोनों कंट्रीज के बीच में, एक तो आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें पूरी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कि इसको इस साइड ऊपर रखना है, इसमें इतना कंटेंट इसका है, कंटेंट ये है, इसको इस हिसाब से हैंडल करना है, कौन कौन इसको यूज नहीं कर सकता है, मतलब जो भी डिटेल्स इसके आप बोल सकते हो, जो भी हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए इस हजार्डस केमिकल को लेके, वो सब कुछ इसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये रोटरडैम कन्वेंशन का एक पार्ट है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसका मतलब ये कि ये लिस्ट के अंदर मान लीजिए जो भी ऐसे हजार्डस केमिकल्स की लिस्टिंग होगी उन केमिकल्स को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले इंपोर्टिंग कंट्री से परमिशन लेते हो, प्रायर कंसेंट की बात करते हो, जब वो आपको कंसेंट दे दे तभी आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो उस कंट्री में। इंडिया अभी रोटरडैम कन्वेंशन का पार्टी है और ओवरऑल अभी ऐसे 161 पार्टीज हैं टोटल। इसके अंदर ये लोग करते क्या है तो आप समझो कि जो भी ऐसे हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो अगर एक देश से दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं तो जो भी परचेजर होता है इसको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना कि देखो इसको इस तरीके से आपको हैंडल करना है, डायरेक्शंस दो आपको कि इसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, मतलब जो भी चीजें और एक प्रॉपर लेबलिंग वगैरह जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो सब तरीके से हम रोटरडैम कन्वेंशन को देखते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा न्यू प्लांट स्पीसीज इन द वेस्टर्न घाट्स। एक रिसर्चर की टीम ने कुछ 2 नए प्लांट स्पीसीज को खोज निकाला है वेस्टर्न घाट के शोला फॉरेस्ट के अंदर में। एक का नाम है टॉलीफोरा बालकृष्णानी। यहां पर आप केवल बालकृष्णानी ये सब चीजें आप याद कर लिया करिए, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगा करे उसको आप बिल्कुल से छोड़ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी कभी भी इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं देता है जैसे कि ये वर्ड है। अब ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये साइंटिफिक नेम्स यूपीएससी नहीं पूछता है तो इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानते रहो अगर कभी भी ये आता है कि टाइलोफोरा बालकृष्णानी या फिर मैथ द कॉलम में आता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक प्लांट स्पेसीज है। जो भी ऐसे कॉमन नेम होते हैं उन सब के ऊपर, जैसे कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में जिंजीबर की स्पेसीज की बात की थी तो वो भी उनके स्टेट्स के ऊपर नामकरण कर दिए गए थे, तो ऐसे ही जो भी ऐसे होते हैं ना जैसे कि जिंजीबर दिमापुरेंस उसका नाम था दिमापुरेनिस, तो ये जो ऐसे नाम होते हैं ना आप केवल इन नाम को कैच किया करो,
इसके बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी यूपीएससी ऐसा पूछता है, ना ही कभी इनकी स्पेसिफिसिटी पूछता है कि ये रेडिश पिंक कलर के होते हैं या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं पूछता है। बस आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट के शोला फॉरेस्ट में इनको पाया गया है, थोलाइयरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अंदर एक और जो भी पौधा की बात की थी हमने, उसका नाम है टाइलोफोरा निग्लेक्टा। ये भी शोला फॉरेस्ट के अंदर ही डिस्कवर किया गया है और इसके लीव्स जो हैं काफी मोटे हैं, ब्रस्टली हैं। इसके अलावा शोला फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, जो भी माउंटेन वैलीज होते हैं इन माउंटेन वैलीज में हम ये शोला फॉरेस्ट को पाते हैं। इसमें हम स्पेसिफिकली ये देख सकते हैं कि इनके अगल बगल आप देखोगे कि रोलिंग ग्रासलैंड्स होते हैं। इस रोलिंग ग्रासलैंड के बीचों बीच ये शोला फॉरेस्ट इन वैलीज में पाए जाते हैं। ये ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स पे आ जाते हैं, इसीलिए इनको अलग से नाम दिया गया है शोला फॉरेस्ट। तो शोला फॉरेस्ट से भी रिलेशन में कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमेशा ये हाई एल्टीट्यूड पर ही मिलते हैं। अब हाई एल्टीट्यूड इस वाले रीजन में आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में देखने को मिलेगा। आर्टिकल है पेस सेटर फंड प्रोग्राम से रिलेटेड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर एक तो कोई फंड इन्वॉल्व है और इस फंड के अंदर हम लोग इसको स्पीड अप करने की बात कर रहे हैं, पेस सेट करने की बात कर रहे हैं या फिर एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे नाम से ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार ये फंड है किस फील्ड का। तो यहां पर आपको एक दो वर्ड याद करने पड़ेंगे, एक तो है ऑफ ग्रिड और दूसरा है क्लीन एनर्जी। अब इसके बेसिस पर सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑफ ग्रिड होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी गांव में जो लोग रहते हैं उनको आपने देखा होगा खेतों में बहुत बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं, बहुत बड़े खंभे होते हैं, या फिर कुछ एक बीच में हम छोटा छोटा पावर हाउस भी देखते हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जहां से पावर प्रोड्यूस हो रहा है उससे यहां तक ट्रांसमिट करना बिजली को, और फिर यहां से हमारे घरों में छोटे छोटे फॉर्म में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, तो यहां पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। अब यहां पर जो हम ये खंभे देख रहे हैं या फिर ये छोटा पावर हाउस देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब ग्रिड का काम करते हैं, इनको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। लेकिन हम यहां पर ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे कोई भी ग्रिड यहां पर इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए 1 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब इसके लिए हमको कहीं सेल करना पड़ेगा इसको, या फिर कहीं परचेस करना पड़ेगा किसी को, मतलब कि हमको इसमें कॉमर्शियलाइजेशन करना है। अब इस कॉमर्शियलाइजेशन करने के लिए हमको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए। इनोवेटिव सॉल्यूशंस जैसे कि हमने बोला कि हमें कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए, या फिर हमने ऐसा बोला कि हमें कुछ नया बिजनेस मॉडल ही चाहिए, या फिर हमने ऐसा बोला कि हमें कुछ बिल्कुल से नया का नया सिस्टम ही चाहिए, हम पूरा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए कुछ तो कुछ फंड यूज होगा ना, तो इसी फंड को यहां पर पेस सेटर फंड प्रोग्राम में एक्सेलरेट करने की बात की गई है। ये जो फंड है ये बेसिकली इंडिया और यूएसए के द्वारा जॉइंटली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और यहां पर ये फंड 2015 से ही दिया जा रहा है। अभी फिलहाल न्यूज में ये इसलिए रहा है क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली सेकेंड राउंड जो है पे सेटर फंड प्रोग्राम का ये देखा और इसके अंदर जितने भी अवार्डीज को फंड्स मिलने थे उनको फंड ग्रांट किया गया है। तो इसी से रिलेटेड ये पे सेटर फंड प्रोग्राम हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल हमारा गंगा डेटा कलेक्टर से रिलेटेड है। ये एक प्रकार का मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। इस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जितने भी एक्वेटिक पॉपुलेशन गंगा रिवर में हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर ये एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, इससे रिलेटेड हमें डेटा कलेक्ट करना है। अब ये डेटा कलेक्ट कौन करेगा? आप देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो भी साइंटिस्ट होंगे या फिर गंगा प्रहरीज होते हैं या फिर फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जितने भी स्टाफ्स हैं वो सब गंगा बेसिन के 11 स्टेट में, जहां पर भी पूरा गंगा बेसिन है, इस 11 स्टेट से इन डेटा को कलेक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पर हम इन एक्वेटिक लाइफ को इंप्रूव कर सकें, साथ ही साथ हम गंगा के वाटर को भी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकें। अब इन सबसे होगा क्या, बेसिकली किसी को भी अगर रिसर्च फील्ड में आना है तो इस फील्ड में जो भी रिसर्चर्स होंगे वो एक प्रॉपर डेटा को इकट्ठा देख सकते हैं ना, इसके बेसिस पर वो एक्वेटिक पॉपुलेशन को मॉनिटर कर पाएंगे अच्छे तरीके से। इस पूरे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि हाल फिलहाल में जल शक्ति मंत्रालय के नाम से एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसके अंदर एक मिशन चलता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब इस मिशन के अंदर एक प्रोजेक्ट है बायोडायवर्सिटी एंड गंगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसी ने इस पूरे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की सोसाइटी है जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में रजिस्टर किया गया है। ये नेशनल गंगा काउंसिल का एक इंप्लीमेंटेशन विंग है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गवर्नमेंट अपने रिवर गंगा अथॉरिटी ऑर्डर 2016 के अंदर NMCG को एक अथॉरिटी देता है कि आप गंगा को रिजुवेनेट करो, प्रोटेक्ट करो, मैनेज करो,
इन सब का गारंटी या फिर इन सब का जो अथॉरिटी है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पास में ही है। इसके पास इसका जो बेसिक पावर है, ये यूपीएससी बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये अपना पावर जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा डिराइव करता है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वाटर एक्ट हो सकता है या फिर कोई और एक्ट हो सकता है, लेकिन याद रहे कि एनएमसीजी अपना पावर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा हम नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको 2015 में 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके बेसिस पर हम लोग रिवर गंगा को तीन बेसिक बात, जिसको हम लोग PCR के नाम से जानते हैं, मतलब कि जो भी पॉल्यूशन है इसको हमें हटाना है, गंगा को कंजर्व करना है, साथ ही साथ इसको रिजुविनेट भी करना है। तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, इन तीनों हेड्स के अंदर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मान लो कि गंगा के सरफेस पे बहुत सारे कूड़ा, या फिर हम बोले कि कुछ हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो फूल पत्तियां या फिर पॉलिथीन्स वगैरह फेंक देते हैं, तो इसके सरफेस को साफ करना, साथ ही साथ हमको इसके रिवर के दोनों तरफ रिवर फ्रंट डेवलप करना। रिवर फ्रंट के अलावा भी हम अगर चाहें तो इन पूरे एरियाज में एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं इन रिवर्स में, उनको हम एक बार कंट्रोल कर सकते हैं। केवल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ही नहीं बल्कि जो भी सेवरेज प्लांट्स होते हैं वहां से भी, तो बहुत बार होता है ना कि नाला जो है वो पूरा सीधे गंगा नदी में मिला दिया, तो उसको पहले हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद इंश्योर करेंगे कि तभी गंगा नदी में उसको मिलाया जाए। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना या फिर गंगा ग्राम को आगे बढ़ाना, बायोडायवर्सिटी मेंटेन करना, ये सब प्रावधान नमामि गंगे प्रोग्राम का है। इसके अलावा हमने अभी बात किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जिसको 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है। बहुत बार स्टेट पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर आता है मैच द फॉलोइंग में कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर, या फिर ये इंस्टीट्यूशन कहां पर बेस्ड है, तो ये देहरादून में है, ये याद रहे आपको। ये एक प्रकार का इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि अलग अलग जगहों पर वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करता है। इसके अलावा जो भी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं जिनके बेसिस पर ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, वो भी इस बेसिस पर काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ओशन एंड क्रायोस्फीयर के बारे में। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए रिसेंटली अभी एक आईपीसीसी ने एक स्पेशल रिपोर्ट ओशंस एंड क्रायोस्फीयर पे जारी की, एंड ये क्या बताती है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओशंस एंड क्रायोस्फीयर पे। तो इसलिए जो इस पर्टिकुलर स्पेशल रिपोर्ट है इसके बारे में अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि जो अभी ऑनगोइंग ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है स्पेशली हमारे ओशंस एंड क्रायोस्फीयर को। ये रिपोर्ट आगे हमें बताती है कि कैसे क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो ये क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा ला रहा है इन पर्टिकुलर एरियाज में। तो देखिए एज सच तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्रायोस्फीयर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में 2017 एंड 18 के जो मेंस का पेपर आया था इसमें देखिए क्रायोस्फीयर से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम क्रायोस्फीयर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्रायोस्फीयर क्या होता है, इट रिफर्स टू द फ्रोजन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम, जो अर्थ के सिस्टम पे जो जमा हुआ जो पार्ट है, यानी जो बेसिकली इस टाइप का, अगर आप ये देखें जैसे पोलर आइस कैप्स, ठीक है, जो आपके ग्लेशियर्स हो गए, ये सब देखें हिमालयस के पास जो हिंद कुश माउंटेन्स एक्सेट्रा, फिर जो बहुत बहुत पोल्स पे जो आपके ऊपर नीचे यहाँ पे पोल्स पे जो बर्फ जमी हुई है, तो ऐसे एरिया को कहते हैं हम ऐसे एरिया आता है क्रायोस्फीयर। क्रायो याद रखिएगा, जो क्रायो इंजन होता है वो बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखिए इसके अंदर आपका स्नो आता है, ग्लेशियर्स आता है, आइस शीट्स आता है, आइस शेल्व्स आता है, फिर आइसबर्ग्स, सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, एंड जो परमाफ्रोस्ट है ये भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, यानी AMOC के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई, एंड इस स्टडी ने एनालाइज करा कि जो इंडियन ओशन की जो वार्मिंग हो रही है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, इसकी वजह से जो जो सिस्टम ऑफ करंट्स है अटलांटिक ओशन में ये बूस्ट होने वाला है। उस पर्टिकुलर जो सिस्टम ऑफ करंट का नाम है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, तो इसको देखिए एक बूस्ट मिलने वाला है। एंड ये जो पर्टिकुलर करंट है, ये जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड के वेदर को डिटरमाइन करने में।
तो यही इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इसका कंटेक्स्ट है। बट ये कंटेक्स्ट तो देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो ये अटलांटिक मैरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है एमॉक, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो देखिए इट इज बेटरली नोन एज अटलांटिक कन्वेनियर बेल्ट, अटलांटिक कन्वेनियर बेल्ट इसको दूसरा इसका नाम है। ये देखिए जो अर्थ का वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है जिसका नाम है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, इसका ये पार्ट है। फिर अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिस्कस करें तो देखिए जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके जो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ हीट है फ्रॉम ट्रॉपिक्स एंड द सदर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड अटलांटिक। फिर अगर हम थोड़ा सा और बात किया जाए तो देखिए ये जो आपकी एटमोस्फेरिक कार्बन है इसको भी स्टोर करता है एंड इसको भी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। फिर अब देखिए रिसेंटली क्या देखा गया है कि जो लास्ट 15 इयर्स है उसमें ऐसा पाया गया है कि जो ये जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है मेनली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां पे आप ये भी मेंस में कोट कर सकते हैं कि कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पूरे वर्ल्ड के इनफैक्ट जो ये सर्कुलेशन है करंट है उनको भी इफेक्ट दे रही है, तो आप इसमें यहां कोट कर सकते हैं। फिर देखिए अगर हम थोड़ा और बात करें तो इस ये देखिए रिस्पॉन्सिबल है जितना भी आपका अफ्रीकन इंडियन मॉनसून रेनफॉल के लिए भी, अफ्रीकन में जो जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक में जो चेंजेस आते हैं वो इस पर्टिकुलर जो जो आपका सर्कुलेशन है उसकी वजह से आते हैं। फिर अगर हम ये बात करें कि क्या इसका रोल है या रोल ऑफ इंडियन ओशन इन स्ट्रेंथनिंग द एमॉक, ठीक है, तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये फाइंड किया है कि जो राइजिंग टेम्परेचर है इंडियन ओशन में दैट कैन हेल्प टू स्ट्रेंथन द एमॉक, ठीक है। तो ये हमने जो स्टार्टिंग में ही कंटेक्स्ट डिस्कस किया था। क्यों देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा क्या इसका रीजन है, तो देखिए अगर जो इंडियन ओशन रीजन में जो वार्मिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एयर को और ड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अटलांटिक, तो इसकी वजह से ये भी स्ट्रांग होगा। देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको जस्ट एक पता होना चाहिए कि इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए अभी जो UNCCD है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इनकी एक कमिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है एंड उस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंस है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन का उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है एंड इसलिए ये बताया गया है कि ये जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है जो आपका लैंड डिग्रेडेशन है एंड डेजर्टिफिकेशन है इसको कॉम्बैट करने में, तो इसकी वजह से हमें सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। तो देखिए सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन इज द कार्बन दैट इज एसोसिएटेड विद सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, ये देखिए आप ये देख रहे हैं यहां पे जो सॉयल ऑर्गेनिक में जो मैटर है उस पे जो जितना आपका कार्बन है ये अगर आप ये हाथ को देख पा रहे हैं तो ये आपका सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कहलाता है। फिर देखिए क्या होता है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन में, तो ऑब्वियस सी बात है जो 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 आपकी सॉयल है उसमें वहां जो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनके रिमेन्स जो पड़े होते हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन एक्सेट्रा, फिर उसके बाद जो वहां पे माइक्रोबियल बायोमास होता है, ठीक है, सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमेटेलिक और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्योंकि वहां पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो भी कुछ कुछ मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, तो ये सब मिला के पूरा आपका कहलाता है सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन का। फिर देखिए जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है सॉयल की उसको ये इंपैक्ट देता है, जैसे हाइड्रोलॉजी हो गई, फिर आपका स्ट्रक्चर हो गया, फिर वहां का हैबिटेट हो गया, ठीक है, एंड जो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन होता है ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे होता है, टॉप सॉयल में ये आपको मिलता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिकेटर है जो कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लिए पाया जाता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, तो अगर सॉयल ऑर्गेनिक जो कार्बन है इसमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो आप अपने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट्स को हम लोग मतलब मेजर कर सकेंगे इसके एक पैरामीटर के तरीके से। अब हम थोड़ा सा देखिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड रिसोर्सेज विच इज नेसेसरी टू सपोर्ट द सिस्टम,
ठीक है, मतलब अगर जो पर्टिकुलर एरिया पे आपको क्या लैंड में रिसोर्सेज चाहिए जिसकी वजह से वहां पे इकोसिस्टम सपोर्ट हो पाए एंड वहां पे प्रॉपर फंक्शंस एंड सर्विसेज मिल पाए, ठीक है, जैसे कि आपका फूड सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसके लिए कितना आपको जो वहां पे रिसोर्स है वो चाहिए हो, ठीक है, तो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसी चीज को कहते हैं आपका लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। फिर देखिए क्या क्या तीन ग्लोबल इंडिकेटर है जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को बताते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला आता है ट्रेंड्स इन लैंड कवर चेंजेस, ठीक है, फिर उसके बाद लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कार्बन स्टॉक्स, ठीक है, जो कि मेजर किया जाता है आपका सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन से। यही तो हमने अभी पढ़ा था कि सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कैसे एक मेजर है जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को बताता है। ये तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है बायो रेमेडिएशन एंड बायो माइनिंग के बारे में। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे इस साल भी 2019 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो देखिए जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन्होंने ऐसा कुछ कुछ प्रोसेस स्टार्ट किया है बायो माइनिंग एंड बायो रेमेडिएशन का, जो आपकी तीन जो लैंडफिल्स है दिल्ली में, जैसे आपका गाजीपुर, ओखला एंड भलसवा, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो बायो रेमेडिएशन है एंड बायो माइनिंग है इस पे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि देखिए इससे जो जो आपका पॉल्यूटेंट है उसको ट्रीट किया जाता है या वेस्ट को ट्रीट किया जाता है बाय द यूसेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये देखिए, ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये इसको खा जाते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक लैंडफिल था एंड इसको ये खा रहे हैं एंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये बैक्टीरिया एक्सेट्रा ये ब्रेक डाउन कर देते हैं जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होता है। तो इस तरीके से बायो रेमेडिएशन एक वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी टेक्निक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है ऑयल स्पिलेज के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है, तो देखिए ऐसी अभी न्यूज आ रही थी कि देर हैव बीन अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ ऑयल स्पिलेज इन इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव एरिया आपका चिलिका लेक का, वहां काफी ये न्यूज आ रही थी कि ऐसी ऑयल स्पिलेज कहीं हुआ है। तो देखिए ऑयल स्पिलेज तो एज सच ये न्यूज तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चिलिका लेक के में हुआ है, बट हाँ हम थोड़ा सा ऑयल स्पिलेज समझते हैं एंड ऑयल स्पिलेज आपका हाउ इट इफेक्ट्स द मरीन लाइफ, ये देखिए ये हमें जानना जरूरी है। तो ऑयल स्पिलेज होता क्या है, तो ये आप इमेज अगर आप देख पाए तो ये इमेज बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें जो ये टर्टल है वो देखिए पानी से भीगे होने की जगह पूरा ऑयल से भीगा हुआ है एंड इसमें आपके ग्रीस एक्सेट्रा इस पे लगा हुआ है। तो ऑयल स्पिलेज यही होता है कि किसी भी तरीके से जो ऑयल है वो आपका मरीन एनवायरनमेंट में चला जाए, जैसे कि आप बहुत सारे इसके होते हैं कि जैसे शिप में से अगर लीक हो जाए, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज एक्सेट्रा से जो डंप कर दिया जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है जो ऑयल का कंसंट्रेशन मरीन लाइफ में बहुत बढ़ जाता है, मरीन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से एक थिन जो लेयर होती है वो जमा हो जाती है, बिल्कुल टॉप जो वाटर के जो सर्फेस होता है उसके ऊपर थिन फिल्म ऑफ ये देखिए इस टाइप से आ जाती है। ये देखिए आप ये ग्रीन ग्रीन जो लेयर आप देख पा रहे ब्लैक ब्लैक सी, ये ऑयल स्पिलेज का आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर ये नीचे वाटर है तो ये देखिए ये आपका बन जाता है। तो अब जो मरीन में जो बहुत सारी जो जितनी भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है जैसे आपके एनिमल्स प्लांट वो इनकी चपेट में आ जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है। तो यही आपका ऑयल स्पिल का एग्जांपल है। फिर देखिए अगर इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो देखिए इससे क्या हो जाता है, तो मरीन लाइफ है इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ कोमा, ऐसा बोला जाता है, इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ हीट कोमा। फिर उसके बाद देखिए जो भी टॉक्सिक केमिकल्स है जो लीच होते हैं ऑयल से एंड उससे क्या हो जाता है, कोरल रीफ्स को भी बहुत ज्यादा डैमेजिंग ये हो जाते हैं, कोरल रीफ्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर देखिए ऑयल फिल्म जम जाती है सरफेस पे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद एक 1973 में जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप, जिसको बोलते हैं मारपोल कन्वेंशन। तो ये पूछा जा सकता है कि मारपोल कन्वेंशन किस लिए था, इट वॉज इट फॉर द चाइल्ड राइट्स, वॉज इट फॉर द ऑयल स्पिलेज, वॉज इट फॉर द अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, जो भी है डिजास्टर रिजिलिएंट, तो आप बता सकते हैं कि ये जो पॉल्यूशन होता है शिप से उसके लिए। तो देखिए प्रीलिम में बस इससे यही क्वेश्चन आता है, मेंस में फ्री पूछा जा सकता है ऑयल स्पिलेज से क्या क्या आपके क्या इसके रेमिनिफिकेशन है, ठीक है। फिर अगर हम लोग जो चिलिका लेक के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जाने, तो चिलिका लेक कंट्री की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है, ये तो काफी इजी है, काफी बार हमने इसको भी डिस्कस किया है, तो इसमें बस यही क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये है कहाँ पे, तो ये ओडिशा में, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस इसमें दो ही आपको चीज पता होनी चाहिए कि एक ब्रैकिश वाटर है एंड ये ओडिशा में है। नेक्स्ट आर्टिकल है पैनगोलिंस के बारे में। तो पैनगोलिंस की अगर आपको इमेज देखनी है तो ये देखिए ये स्क्रीन पे ये होता है, देखिए पैनगोलिंस।
अब कंटेक्स्ट क्या है, तो देखिए 5-6 लोगों को ये पेंगुलिन्स की स्मगलिंग करते हुए कोलकाता में पकड़ा गया है, तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेंगुलिन्स को हमें जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पेंगुलिन्स आर द ओनली मैमल्स जो कि पूरे स्केल्स से कवर्ड होते हैं। स्केल्स क्या है, ये देखिए बॉडी में आप लोग देख पा रहे हैं, ये इनकी स्केल्स है एंड ये मैमल्स है, एंड जनरली जो स्केल फीचर होता है ये रेप्टाइल्स का होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दे आर द ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स एंड दे आर यूज एंड दे आर यूज जो ये यूसेज होता है देखिए पेंगुलिन के इन स्केल्स का, ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एज अ टूल ऑफ प्रोटेक्शन ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा और बात किया जाए तो 8 स्पीशीज ऑफ पेंगुलिन होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, एंड जिसमें से 2 इंडिया में 2 टाइप के मिलते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से हैं जो है, दे आर चाइनीज पेंगुलिन एंड मोस्टली, एंड उसके बाद सेकेंड है इंडियन पेंगुलिन, ये 2 मिलते हैं, ठीक है। फिर ये मिलते किधर है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, चाइनीज पेंगुलिन नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा इसका IUCN स्टेटस के बारे में बात करें, तो जो चाइनीज पेंगुलिन है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो इंडियन पेंगुलिन है वो एंडेंजर्ड है, ये चीज, ये आपको ये 2 चीज पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी UPSC IUCN स्टेटस भी पूछ सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें तो Schedule 1 में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो देखिए ये डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये अगर आप लोग कोई भी स्टेट PCS एक्सेट्रा तैयारी कर रहे हैं, MPPSC एक्सेट्रा, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ऑप्शन आप याद रखिएगा सितंबर 16। तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ हमें ओजोन लेयर के बारे में हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये सब आपने काफी बार एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लेने कि ओजोन लेयर देखिए एक फ्रेजाइल शील्ड ऑफ गैस होती है जो अर्थ को सराउंड कर रही होती है, एंड इसका जो मेन मकसद होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। क्योंकि देखिए अल्ट्रावायलेट जो रेज ऑफ द सन होती है इसमें कैंसर कॉज करने की क्षमता होती है, तो इसीलिए ओजोन लेयर इससे टकराती है, इस लेयर से, एंड ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपकी ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है ये आपका अर्थ में नहीं पहुंच पाती। फिर देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करें तो इसका नाम ओजोन लेयर क्यों पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें ओजोन सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेयर में एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद देखिए अब ओजोन भी देखिए 2 टाइप का होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक अगर आपसे पूछा जाए क्या ओजोन हार्मफुल है तो आंसर होगा येस और आंसर होगा नो भी, ठीक है, बट देखिए क्यों, क्योंकि ये कंटेक्स्ट दोनों का अलग अलग है। अगर देखिए ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में है तो स्ट्रेटोस्फियर में तो यह हार्मफुल नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि भाई स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन को रोक रहा है, और अल्ट्रावायलेट रेज में अभी हमने पढ़ा कैंसर करने की क्षमता होती है, तो भाई ओजोन हमें आपका कैंसर से बचा रहा है। बट स्ट्रेटोस्फीयर में ये चीज ध्यान रखिएगा, फिर से ये पढ़ लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर जो मैंने हाईलाइट करा है, बट अगर यही ओजोन लैंड पे है यानी आप कह सकते हो ट्रोपोस्फीयर में है, ठीक है, तो ये हार्मफुल है, क्योंकि ओजोन को अगर हमने डायरेक्टली ब्रीथ करा तो इसके अंदर बहुत हार्मफुल आपके सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रिलीज होंगे, एंड ये एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन फंसा सकती है UPSC। फिर देखिए क्या किसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, तो ये हम सबने पढ़ा है कि CFCs, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, एंड ये मोस्टली रिलीज होते हैं आपके AC से, फ्रिज से, ये सब पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं एंड हमें हमारी जो स्किन है उसको कैंसर से बचाते हैं। फिर देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर देखिए पोल्स के ऊपर ज्यादा थिकर है एंड इक्वेटर के ऊपर कम थिकर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम का क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर की क्या यूनिफॉर्म विथ है, तो ऐसा ये गलत है क्योंकि जो थिकनेस है यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज मोर ओवर द पोल्स एंड लेसर ओवर द इक्वेटर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर ओजोन लेयर क्रिएट कैसे होती है, तो देखिए जो सन की रेज आती है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है एंड ऑक्सीजन रेडिकल में ब्रेक कर देती है, ये सब आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 रेडिकल में ब्रेक कर देती है, फिर ये तीसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके O3 में बन जाते हैं, ठीक है, एंड इसीलिए ओजोन आपका एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये देखिए दी सिंगल एटम्स कंबाइन विद द नियर बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म अ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नोन एज ओजोन। सो ये भी काफी आसान चीज है। अब देखिए जो प्रीलिम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, पहले भी आया हुआ है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये भी आसान सी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है एंड जिसका मेन मकसद है कि भाई जो ओजोन लेयर है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए,
तो भाई जितने भी आपके ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पढ़े थे कौन से, ये वाले सीएफसीज, हैलोन्स एक्सेट्रा, इन सबको भाई कम किया जाए एंड इसकी वजह से आपका ओजोन जो डिप्लीट होता है वो ना हो, ऐसा इसका मेन मकसद है। देखिए ये आपकी आई कब थी तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 1987 में ये अग्री किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, एंड उसके बाद ये फोर्स में आती है 1989 में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या ये लीगली बाइंडिंग है, तो हाँ भाई ये लीगली बाइंडिंग है मेंबर कंट्रीज पे, ठीक है, एंड 197 पार्टीज ने ऑलमोस्ट इसको रेटिफाई कर दिया है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सली रेटिफाइड प्रोटोकॉल है, याद रखिए यूएन का ये यूनिवर्सली रेटिफाइड प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है शोला ग्रासलैंड के बारे में, तो शोला ग्रासलैंड के को अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये शोला ग्रासलैंड होती क्या है, फिर इसका कंटेक्स्ट भी जानेंगे। तो देखिए शोला ग्रासलैंड है ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं एंड जिनको फाइंड किया जाता है वेस्टर्न घाट्स में, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड ये जो शोला ग्रासलैंड है ये हाई एल्टीट्यूड्स में फाइंड होते हैं, ठीक है, ऊपर एल्टीट्यूड्स में जाएंगे, ठीक है, जैसे अगर आप ये देखिए पहाड़ों में देखिए जब ऊपर जाते जा रहे हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जब जो दिख रहा है ये आता है आपका शोला ग्रासलैंड। फिर देखिए अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सा और बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जो ट्रीज है वो ज्यादा लंबे नहीं होते, बहुत छोटू ट्रीज होते हैं, उनका नाम है डॉफ ट्रीज, जिनका 25 से 30 फीट हाइट होती है, ठीक है, एंड यहाँ जो वेजिटेशन होती है वो डबल लेयर्ड स्टोरी होती है, ठीक है, एंड क्लोज कैनोपी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से क्या होता है देखिए जो सनलाइट है वो ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि बहुत डेंस कैनोपी है, आसपास छोटे छोटे ऐसे ऐसे ट्री है तो जमीन तक सनलाइट बहुत मुश्किल से पड़ पाती है। फिर देखिए जो ये है कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो स्टेट्स का ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा के हायर एल्टीट्यूड्स में ये पाए जाते हैं, बस इसमें इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो अभी कुछ रिपोर्ट आई है जिसने बोला है कि जो ये शोला फॉरेस्ट है ये काफी जल्दी जल्दी डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, ओटी नीलगिरी हिल्स के आसपास, एंड जल्दी ये गायब भी हो सकते हैं, तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमने शोला फॉरेस्ट को जरूर पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, अगर शोला में आएगा क्वेश्चन ये आएगा शोला ग्रासलैंड्स आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, तो आप क्या अटैक करोगे, इसका आंसर होगा माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो इस टाइप से याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉनी लेफिनॉल के बारे में, एनपी के बारे में, ठीक है। अब ये नॉनी फिनॉल है क्या, तो ऑब्वियसली बात है कोई केमिकल ही होगा, ठीक है, ये ऑल ये सब अल्कोहल टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो नॉनी फिनॉल है कंटेक्स्ट क्या है इसका कि ये तापी में 8 गुना ज्यादा मिला है, ऐसा कोई एक स्टडी आई है, तो स्टडी को रहने दो, बट हाँ हम नॉनी फिनॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये टॉक्सी बायो अक्यूमुलेटिव केमिकल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, क्योंकि ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि नॉनी फिनॉल समटाइम्स सीन इन न्यूज इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, अ टॉक्सिक बायो अक्यूमुलेटिव केमिकल, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये एक एंडोक्रीन डिस्क्रिप्टिंग केमिकल होता है एंड ये बहुत ज्यादा हजार्डस होता है इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ के लिए। फिर अगर हम लोग बात करें तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो आपका वेरियस जो स्टैंडर्डाइज करता है, स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स को सेट करता है, इसने देखिए सेट करी है जो इसकी लिमिट है वो है 0.001 mg पर लीटर, ठीक है, एंड सरफेस वाटर में 5 mg पर लीटर के लिमिट सेट करी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अनलाइक अदर कंट्रीज इंडिया डज नॉट हैव स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर नॉनी फिनॉल इन ड्रिंकिंग वाटर एंड सरफेस वाटर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बस इसमें क्वेश्चन देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि नॉनी फिनॉल है क्या, क्या ये अच्छी चीज है, क्या ये बुरी चीज है एक्सेट्रा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो इट इज अ एंडोक्रिनाइन डिस्क्रिप्टिंग केमिकल, इट इज वेरी मच टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, एंड इट हैज बायो अक्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। बायो अक्यूमुलेटिव क्या होता है गाइस, बायो अक्यूमुलेटिव वो चीज होती है कि ये जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते जाता है वो और ज्यादा अक्यूमुलेट होते जाता है एंड उसकी कंसंट्रेशन और बढ़ती जाती है। अगर इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिलहाल इसमें आपको यही याद रखना है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।